हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है राउडी बॉयज़ तो राउडी बॉयज़ फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो कौन से ओटीटी सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर भी डिटेलिंग दी जाएगी फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है जहाँ पर मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म की स्टार का

इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दिल राजू और सीरीज ने जिन्होंने श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी आर मधी ने किए हुए एडिटिंग मधु ने किए हुए इसको एक सौ पैंतालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है उन्होंने तो ये फिल्म एक दो घंटे और पच्चीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए इस फिल्म में टोटल दस गाने सभी वर्जन मिला ले तो जहाँ पे सभी गानों को ऑफिशियली आप आदित्य म्यूजिक के ऊपर सुन सकते हो वहीं पे एक ट्रैक है उसको लहरी म्यूजिक के ऊपर ऑफिशियली सुन सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी थी श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है तो ये उनकी ही रिलीज थी जहाँ पे इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो आशीष टाइटल रोल प्ले सॉरी इस फिल्म का लीड रोल प्ले करे अक्षय का जिनकी डेब्यू फिल्म है उनके अपोजिट अनुपमा परमेश्वरन को कास्ट की गई है जो काव्या का रोल प्ले करी है कार्तिक रत्नम साहिदेव विक्रम तेज कुरुपाति इस फिल्म में सपोर्टिंग में देखने को मिलेंगे उनके साथ राजा रवि प्रणीता रेड डिकल लेम और पृथ्वी भी देखने को मिलेंगे कोमली प्रसाद इस फिल्म में सुरती का रोल प्ले कर रहे हैं जो काव्या की फ्रेंड है श्रीकांत अयंगर को अक्सय के फादर का रोल दिया गया था तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो मार्च 2020 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि इस फिल्म में अनुपमा परमेश्वर लीडरोल में होने वाली है राहुल रामाकृष्णन को भी इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया था लेकिन उनका एक बिजी शेड्यूल था आरआर फिल्म के साथ जिस वजह से वो इस फिल्म के साथ नहीं जुड़ पाए थे बाद में राजा रवि को उस रोल के लिए कास्ट किया गया था और उसके बाद में इस तरह से पूरी तरह से फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी बाद में जनवरी 2020 को इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ़ फ़ोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था करीबन छः सात महीने की इस फिल्म की सॉरी करीबन ये फिल्म की पाँच छः महीने की शूटिंग होने वाली थी और अलग अलग शेड्यूल के तहत लेकिन कोविड की वजह से शूटिंग रोकनी पड़ी और उसके बाद में जो कोविड के प्रोटोकॉल थे उसको फॉलो करते हुए रेपअप किया गया था तेरह अक्टूबर दो को तो ये इस तरह से इस फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया गया था जहाँ पे आखिर में डेट नाइट करके जो गाना था वो कंपोज करा था जानी मास्टर ने कोरियोग्राफ किया था वो गाने की शूटिंग के साथ फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था तो उसके बाद में इस फिल्म की मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो देवी प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग दोनों कंपोज किए हुए फिल्म में टोटल अलग अलग वर्जन मिला ले तो दस गाने हैं जहाँ पे पहला गाना है रावड़ी बॉयज टाइटल सॉन्ग जिसके लिरिक्स रोला रेडा ने लिखे हुए है और रोल रेडा ही उसके सिंगर है प्रेमा आकाशम थे जो गाना है उसके लिरिक्स श्री मनी ने लिखे हुए थे सिंगर जसप्रीत जयसे वृंदावनम वाला गाना है उसके लिरिक्स सुधाला अशोक तेजा ने लिखे हुए है मंगिली ने उसको गाया हुआ है डेट नाइट करके गाने को रो रोला रेडी ने लिखा हुआ है रंजीत कोविंद और समीरा भारद्वाज के पास गवाया हुआ है ये जिंदगी वाला गाना है। उसको कृष्णात ने लिखा हुआ है राम मिर्याला ने उसको गाया हुआ है श्रीमणि अनंत श्री राम ने नीर्य करके गाना लिखा हुआ था उसको गाया हुआ था कार्तिक ने वहीं पे ने और नीचे ने करके जो गाना है उसको श्रीमणि ने लिखा हुआ है कपिल कपिलान और समीरा भादवा ने उसको गाया हुआ है इसके अलावा ओका ने ओका रानी करके जो गाना है वो कृष्णा कांत ने लिखा हुआ था सिंगर थे देवी श्री प्रसाद जो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर भी है ओक्की की ओक्का रानी करके जो गाना है उसका रॉक वर्जन था उसको लिखा हुआ है कृष्णा कांत ने और यासिन निज़ार ने गाया हुआ है राजनम नम चमनु रिमेक्स वर्जन है उसको क्रिएट किया हुआ है गद्दार ने वहीं पर उसको गाया हुआ है दीपू ने तो ये टोटल दस गाने हैं जिसकी लेंथ है तीस मिनट अठारह सेकंड सभी गाने फिलहाल में वीडियो फॉर्मेट में ऑफिशियल आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे तेलुगु वर्जन में अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर आकाश यानी कि आशीष वो रोल प्ले करे जो एक केयर फ्री इंजीनियर कॉलेज स्टूडेंट है जिसको एक मेडिको नाम की लड़की मेडिकल लड़की जहाँ पे काव्या वो नाम है उसका वो रोल प्ले करे अनुपमा परमेश्वरन उससे प्यार हो जाता है कुछ समय के बाद काव्या भी आकाश को पसंद करने लगती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली राइवलरी है आकाश के कॉलेज की कुछ प्रॉब्लम थी उसकी लव स्टोरी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कुछ राइवलरी की वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट अब चॉइस ना बचने की वजह से आकाश और काव्या क्रुशल डिसीजन पे आ जाते हैं अपनी जिंदगी की अब वो आगे क्या करेंगे क्या काव्या डॉक्टर की वी से बनने की तो बन पाएगी इसके अलावा आकाश के प्यार उसको मिल पाएगा क्या वो अपना लव आकाश जीत पाएगा तो वही सब सवालों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है दिलराज जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उनका नेफ्यू है आशीष रेड्डी जिन्होंने इस फिल्म के साथ डेब्यू किया हुआ है फिल्म का टाइटल रावड़ी बॉयज था वो किरदार भी कुछ उसी टाइप का लिखा हुआ था जहाँ पे वो डिसेंट नज़र आ रहे उनकी परफॉर्मेंस एज एक्टर के तौर पे इस्टेब्लिश होती हुई नज़र आ रही डांसिंग स्किल भी नज़र आ रही ओवरऑल दूसरे जो एक्टर्स है उन्होंने भी भी जस्टिफाई किया हुआ है अनुपमा परमेश्वरन काफ़ी गोर्ज नज़र आ रही है उनको आप ज़रूर पसंद करोगे उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है लीड पर के बीच में जो परफॉर्मेंसेज देखने को मिलती है उनके बीच की जो केमिस्ट्री है वो अच्छी नज़र आएगी कॉमेडी जिस तरह से क्रिएट की गई है साइड किस तो वो सभी चीज़ें बढ़िया है सॉन्ग्स फिल्म के कुछ अच्छे थे वहीं पे विजुअल्स भी उसके काफी बढ़िया नजर आते हैं इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर काफी अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ है विजुअल्स काफ़ी रिच नजर आते हैं जो फिल्म को सपोर्ट कर रहे थे हाँ इस फिल्म की कहानी में उतना कुछ नयापन नहीं था जहाँ पे चीज़ें उतनी कुछ अलग वे में दिख सकती थी वही इस टाइप के कई सारे सालों से कई सारी मूवीज आ रही है अनुपमा दिखने में काफी बढ़िया नजर आ रही थी जहाँ पे वो अपनी एक्टिंग एबिलिटी को प्रूव कर सके उस कदर का उस उसका किरदार नहीं लिखा गया था लेकिन अगर उसको तो डाल डालते तो फिल्म और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा फिल्म तो का फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ जिस तरह से कहानी को दिखाया हुआ है पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल रूटीन नज़र आता है कॉमेड ट्रेक थोड़ा ओवर दी टॉप नज़र आता है तो वो फिल्म का माइनस पॉइंट कह सकते हैं प्रोडक्शन वाली फिल्म की काफ़ी बढ़िया है जिस तरह से विजुअल्स देखने को मिलते हैं सिनेमेटोग्राफी सभी चीज़ें बढ़िया नज़र आती है सभी लोकेशंस को बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है ब्यूटीफुल मैनर में शोकेस किया हुआ है गाने बी जी एम सभी अच्छे वहीं पर देवी श्री प्रसाद ने जिस तरह से बी जी एम क्रिएट किया हुआ है वो फिल्म को सपोर्ट दे रहा था एडिटिंग फिल्म की डिसेंट है वहीं पर डायरेक्टर हर्षक को ने इस फिल्म के साथ ओके काम किया हुआ है प्लॉट <laughs> उतना कुछ नया नहीं था शोकेस किया हुआ था अगर उसको स्क्रीन प्ले में थोड़ा बेटर वे में डालते थोड़ा अच्छा होता इसके अलावा उन्होंने एक्टर को अच्छी तरह से फिल्म में हैंडल किया हुआ था ओवरऑल राउडी बॉयज एक कोले ड्रामा फिल्म है जहां पे नोट उतने कुछ खास ट्विस्ट और तो टर्न्स देखने को नहीं मिलती है लेकिन आशीष रेड्डी का एडिसिन डेब्यू देखने को मिलता है फिल्म का फर्स्ट हाफ अच्छा है सेकंड हाफ थोड़ा डल है स्ट्रॉन्ग स्टोरी होती तो चीज़ें बेहतर होती तो एक दो चीज़ें जिसको इग्नोर करोगे तो फिल्म वन टाइम वॉचेबल तो ज़रूर लगेगी तो इस फिल्म को अगर आप थोड़ा ये इग्नोर करोगे तो देख सकते हो राउडी बॉयज फिल्म को चौदह जनवरी दो को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था आईएमडी पे करीबन 800 से हज़ार वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला और ठीक इसी तरह बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स हासिल किया था जहाँ पे फिल्म आर 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 और राजेश्याम के साथ क्लेश होने वाली थी लेकिन बाद में चीज़ों को चेंज करते हुए इस फिल्म की रिलीज डेट को चेंज किया गया जहाँ पे फिल्म जिस तरह से रिलीज़ हुई जिस मौके पे तो उस टाइप की उस टाइम पे इस फिल्म ने डिसेंट वे में कलेक्शन कर लिया था इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते हैं जहाँ पे रावड़ी बॉयज़ के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो जी नेटवर्क वालों ने ख़रीदे हुए तो तेलुगु वर्जन के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए तो, तो रावड़ी बॉयज़ को उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर फ़िलहाल में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पर हिंदी डब वर्जन के राइट्स है वो आदित्य नेटवर्क के पास है यानी कि आदित्य मूवीज़ के पास है जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग तो कम्प्लीट करवाई है लेकिन अभी तक फिल्म को अवेलेबल नहीं किया हुआ है अब हम बात करें किस तरह से इस फिल्म को देख सकते हो उसके ऊपर तो राउडी बॉयज़ फिल्म को फिलहाल में आप तेलुगु वर्जन में जी फाइव ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन रावड़ी बॉयज नाम के साथ वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्ज़न है उसके राइट्स का आदित्य मूवीज़ के पास है अब वो इस फिल्म को जब कभी भी का रिलीज़ करवाएंगे तो पहले इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर होगा उसके बाद उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को रावड़ी बॉयज नाम के साथ आप ऑफिशियली इंजॉय कर सकोगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि राउडी बॉयज फिल्म का आप ऑफिशियली इंजॉय कर सकोगे तेलुगु वर्जन में जी ऐप के ऊपर जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पर इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको जी तेलुगु के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पर रावडी बॉयज़ का जो हिंदी डब वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा आदित्य मूवीज़ के द्वारा वो वो पहले टेलीविजन पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे उसके बाद उनकी यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म का आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकोगे तो इस तरह से राउडी बॉयज फिल्म को आप तेलुगु और हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो राउडी बॉयज जो दो की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज कमिंग ऑफ एज रोमेंटिकॉरिज ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है श्री हर्षा कोनुगत्ती ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दिल राजू और सीरीज ने जिन्होंने श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी आर मधी ने किए हुए एडिटिंग मधु ने किए हुए इस को एक, एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है उन्होंने तो ये फिल्म एक दो घंटे और पच्चीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए इस फिल्म में टोटल दस गाने सभी वर्जन मिला ले तो जहाँ पे सभी गानों को ऑफिशियली आप आदित्य म्यूजिक के ऊपर सुन सकते हो वहीं पे एक ट्रैक है उसको लहरी म्यूजिक के ऊपर ऑफिशियली सुन सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी थी श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है तो ये उनकी ही रिलीज थी जहाँ पे इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो आशीष टाइटल रोल प्ले सॉरी इस फिल्म का लीड रोल प्ले कर रहे अक्षय का जिनकी डेब्यू फिल्म है उनके अपोजिट अनुपमा परमेश्वरन को कास्ट की गई है जो काव्या का रोल प्ले कर कार्तिक रत्नम सहदेव विक्रम तेज कुरपाती इस फिल्म में सपोर्टिंग में देखने को मिलेंगे उनके साथ राजा रवि प्रणीता रेड डिकल और पृथ्वी भी देखने को मिलेंगे कोमली प्रसाद इस फिल्म में सुरती का रोल प्ले कर करे जो काव्या की फ्रेंड है श्रीकांत अयंगर को अक्सय के फादर का रोल दिया गया था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो मार्च 2020 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि इस फिल्म में अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में होने वाली है राहुल रामाकृष्णन को भी इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया था लेकिन उनका एक बिजी शेड्यूल था आर फिल्म के साथ जिस वजह से वो इस फिल्म के साथ नहीं जुड़ पाए थे बाद में राजा रवि को उस रोल के लिए कास्ट किया गया था और उसके बाद में इस तरह से पूरी तरह से से पूरी फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी बाद में जनवरी 2020 को इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था करीबन छह सात महीने की इस फिल्म की सॉरी करीबन ये फिल्म की पांच छह महीने की शूटिंग होने वाली थी और अलग अलग शेड्यूल के तहत लेकिन कोविड की वजह से शूटिंग रोकनी पड़ी और उसके बाद में जो कोविड के प्रोटोकॉल थे को फॉलो करते हुए रेपअप किया गया था तेरह अक्टूबर दो को तो ये इस तरह से इस फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया गया था जहां पे आखिर में डेट नाइट करके जो गाना था वो कंपोज करा था जानी मास्टर ने कोरियोग्राफ किया था वो गाने की शूटिंग के साथ फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था तो उसके बाद में इस फिल्म की मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग इन सभी चीजों के ऊपर काम किया गया था जहां साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए फिल्म में टोटल अलग अलग वर्जन मिला

भारद्वाज के पास गवाया हुआ है ये जिंदगी वाला गाना है उसको कृष्णकांत ने लिखा हुआ है राम मीरियाला ने उसको गाया हुआ है श्रीमणि अनंत श्री राम ने नूवेना धैर्यम करके गाना लिखा हुआ था उसको गाया हुआ था कार्तिक ने वहीं पे पर ने और नीचे ने करके जो गाना है उसको श्रीमणि ने लिखा हुआ है कपिल कफिलान और समीरा भारद्वाज ने उसको गाया हुआ है इसके अलावा ओका ने ओका रानी करके जो गाना है वो कृष्ण ने लिखा हुआ था सिंगर थे देवी श्री प्रसाद जो फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर भी ओखर ही की ओखा रानी करके जो गाना है उसका रॉक वर्जन था उसको लिखा हुआ है कृष्णा कांत ने और यासिन निज़ार ने गाया हुआ है राजनम चमु रिमेक्स वर्जन है उसको क्रिएट किया हुआ है गद्दार ने वहीं पे उसको वो गाया हुआ है दीपू ने तो ये टोटल दस गाने जिसकी लेंथ है तीस मिनट अट्ठारह सेकंड और ये सभी गाने फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली आती थे म्यूज़िक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे तेलुगु वर्जन में अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर आकाश यानी कि आशीष वो रोल प्ले करे जो एक केयर फ्री इंजीनियर कॉलेज स्टूडेंट है जिसको एक अ, मेडिको नाम की लड़की अ, मेडिकल लड़की जहाँ पे काव्या वो नाम है उसका वो रोल प्ले करे अनुपमा परमेश्वरन उससे प्यार हो जाता है कुछ समय के बाद काव्या भी आकाश को पसंद करने लगती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली राइवलरी है आकाश के कॉलेज की कुछ प्रॉब्लम थी उसकी लव स्टोरी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कुछ राइवलरी की वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट अब चॉइस ना बचने की वजह से आकाश और काव्या क्रुशल डिसीजन पे आ जाते है अपनी जिंदगी की कि वो आगे क्या करेंगे, क्या करेंगे काव्या डॉक्टर के वी से बनने की तो बन पाएगी इसके अलावा आकाश के प्यार उसको मिल पाएगा क्या वो अपना लव आकाश जीत पाएगा तो वही सब सवालों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है दिल राजा जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उनका नेफ्यू है आशीष रेड्डी जिन्होंने इस फिल्म के साथ डेब्यू किया हुआ है फिल्म का टाइटल रावड़ी बॉयज था वो किरदार भी कुछ उसी टाइप का लिखा हुआ था जहाँ पे वो डिसेंट नज़र आ रहे उनकी परफॉर्मेंस एज एक्टर के तौर पे इस्टेब्लिश होती हुई नज़र आ रही डांसिंग स्किल भी नजर आ रही ओवरऑल दूसरे जो एक्टर्स है उन्होंने भी, भी जस्टिफाई किया हुआ है अनुपमा परमेश्वरन काफ़ी गोर्ज नज़र आ रही है उनको आप जरूर पसंद करोगे उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है लीड पर के बीच में जो परफॉर्मेंसेज देखने को मिलती है उनके बीच की जो केमिस्ट्री है वो अच्छी नजर आएगी कॉमेडी जिस तरह से क्रिएट की गई है साइड किस के द्वारा तो वो सभी चीज़ें बढ़िया है एक सॉन्ग्स फिल्म के कुछ अच्छे थे वहीं पे विजुअल्स भी उसके काफ़ी बढ़िया नज़र आते हैं इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ है विजुअल्स काफ़ी रिच नज़र आते हैं जो फिल्म को सपोर्ट कर रहे थे हाँ इस फिल्म की कहानी में उतना कुछ नयापन नहीं था जहाँ पर चीज़ें उतनी कुछ अलग वे में दिख सकती थी वही इस टाइप के कई सारे सालों से कई सारी मूवीज आ रही है अनुपमा दिखने में काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी जहाँ पे वो अपनी एक्टिंग एबिलिटी को प्रूव कर सके उस कदर का उसका किरदार नहीं लिखा गया था लेकिन अगर उसको तो डाल दे तो और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा फिल्म तो का फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ जिस तरह से कहानी को दिखाया हुआ है पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल रूटीन नज़र आता है कॉमेडी ट्रैक थोड़ा ओवर दी टॉप नज़र आता है तो वो फिल्म का माइनस पॉइंट कह सकते हैं प्रोडक्शन वेली फिल्म की काफ़ी बढ़िया है जिस तरह से विजुअल्स देखने को मिलते हैं सिनेमेटोग्राफी सभी चीज़ें बढ़िया नज़र आती है सभी लोकेशंस को बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है ब्यूटीफुल मैनर में शोकेस किया हुआ है गाने बी सभी अच्छे वहीं पर देवी श्री प्रसाद ने जिस तरह से बीजेम क्रिएट किया हुआ है वो फिल्म को सपोर्ट दे रहा था एडिटिंग फिल्म की डिसेंट है वहीं पर डायरेक्टर हर्षक कौन होगा 3 इस फिल्म के साथ ओके काम किया हुआ है प्लॉट उतना कुछ नया नहीं था शोकेस किया हुआ था अगर उसको स्क्रीन प्ले में थोड़ा बेटर वे में डालते थोड़ा अच्छा होता इसके अलावा उन्होंने डेबिडेंट एक्टर को अच्छी तरह से फिल्म में हैंडल किया हुआ था ओवरऑल रावड़ी बॉयज एक कोलेड्रामा फिल्म है जहां पे नोट होते कुछ खास तो स्टोर टर्नस देखने को नहीं मिलती है लेकिन आशीष रेड्डी का एडिसिन डेब्यू देखने को मिलता है फिल्म का फर्स्ट हाफ अच्छा है सेकेंड हाफ थोड़ा डल है स्ट्रॉन्ग स्टोरी होती तो चीज़ें बेहतर होती तो एक दो चीज़ें जिसको इग्नोर करोगे तो फिल्म वन टाइम वॉचेबल तो ज़रूर लगेगी तो इस फिल्म को अगर आप थोड़ा ये इग्नोर करोगे तो देख सकते हो राउडी बॉयज फिल्म को 14 जनवरी 2022 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था आईएमडी पे करीबन 800 से हज़ार वोट मिले हुए हैं जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला और ठीक इसी तरह बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स हासिल किया था जहाँ पर फिल्म आर 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 और राधे श्याम के साथ क्लेस होने वाली थी लेकिन बाद में चीज़ों को चेंज करते हुए इस फिल्म की रिलीज डेट को चेंज किया गया जहाँ पे फिल्म जिस तरह से रिलीज हुई जिस मौके पे तो उस टाइप की उस टाइम पे इस फिल्म ने डिसेंट वे में कलेक्शन कर लिया था इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट सेटेलाइट राइट्स के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते हैं जहाँ पे राउडी बॉयज़ के जो ओटीटी और सेटेलाइट राइट्स से है वो जी नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए तो तेलुगु वर्जन के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए तो रावड़ी बॉयज को उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर फिलहाल में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे हिंदी डब वर्जन के राइट्स है वो आदित्य नेटवर्क के पास है यानी कि आदित्य मूवीज़ के पास है जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग तो कंप्लीट करवाई है लेकिन अभी तक फिल्म को अवेलेबल नहीं किया हुआ है अब हम बात करें किस तरह से इस फिल्म को देख सकते हो उसके ऊपर तो रावड़ी बॉयज़ फिल्म को फिलहाल में आप तेलुगु वर्जन में जी फाइव ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन रावड़ी बॉयज नाम के साथ वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसके राइट्स आदित्य मूवीज़ के पास है अब वो इस फिल्म को जब कभी भी रिलीज़ करवाएंगे तो पहले इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर होगा उसके बाद उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को राउडी बॉयज़ नाम के साथ आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकोगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि राउडी बॉयज फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकोगे तेलुगु वर्जन में जी फाइव ऐप के ऊपर जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पर इस फिल्म का जो वर्जन है वो आपको अजीज तेलुगु के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पर रावडी बॉयज़ का जो हिंदी डब वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा आदित्य मूवीज़ के द्वारा वो वो पहले टेलीविजन पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे उसके बाद उनकी यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म का आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकोगे तो इस तरह से रावड़ी बॉयज़ फिल्म को आप तेलुगु और हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो रावडी बॉयज़ जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज कमिंग ऑफ एज रोमेंटिकॉरिज ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है श्री हर्षा कोनुगत्ती ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया, किया हुआ है दिल राजू और सीरीज ने जिन्होंने श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी आर मधी ने किए हुए एडिटिंग मधु ने किए हुए इसको एक सौ पैंतालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है उन्होंने तो ये फिल्म एक दो घंटे और पच्चीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए इस फिल्म में टोटल दस गाने वर्जन मिला ले तो जहां पे सभी गानों को ऑफिशियली आप आदित्य म्यूजिक के ऊपर सुन सकते हो वहीं पे एक ट्रैक है उसको लहरी म्यूजिक के ऊपर ऑफिशियली सुन सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी थी श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है तो ये उनकी ही रिलीज थी जहां पे इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करे तो आशीष टाइटल रोल प्ले सॉरी इस फिल्म का लीड रोल प्ले कर करे अक्षय का जिनकी डेब्यू फिल्म है उनके अपोजिट अनुपमा परमेश्वरन को कास्ट की गई है जो काव्या का रोल प्ले करे कार्तिक रत्नम सहदेव विक्रम तेज कुरपाती इस फिल्म में सपोर्टिंग में देखने को मिलेंगे उनके साथ राजा रवि प्रणीता रेड्डी कलम और पृथ्वी भी देखने को मिलेंगे कोमली प्रसाद इस फिल्म में श्रुति का रोल प्ले कर रहे हैं जो काव्या की फ्रेंड है श्रीकांत अयंगर को अक्सय के फादर का रोल दिया गया था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो मार्च दो में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि इस फिल्म में अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में होने वाली है राहुल रामाकृष्णन को भी इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया था लेकिन उनका एक बिजी शेड्यूल था आरआरआर फिल्म के साथ जिस वजह से वो इस फिल्म के साथ नहीं जुड़ पाए थे बाद में राजा रवि को उस रोल के लिए कास्ट किया गया था और उसके बाद में इस तरह से पूरी तरह से फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी बाद में जनवरी 2020 को इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था करीबन छः सात महीने की इस फिल्म की सॉरी करीबन ये फिल्म की पाँच छः महीने की शूटिंग होने वाली थी और अलग अलग शेड्यूल के तहत लेकिन कोविड की वजह से शूटिंग रोकनी पड़ी और उसके बाद में जो कोविड के प्रोटोकॉल थे उसको फॉलो करते हुए रेपअप किया गया था तेरह अक्टूबर दो को तो ये इस तरह से इस फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया गया था जहाँ पे आखिर में डेट नाइट करके जो गाना था वो कंपोज कराया था जानी मास्टर ने कोरियोग्राफ किया था वो गाने की शूटिंग के साथ फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था तो उसके बाद में इस फिल्म की मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो देवी प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए फिल्म में टोटल अलग अलग, अलग वर्जन मिला ले तो दस गाने जहाँ पे पहला गाना है राउडी बॉयज टाइटल सॉन्ग जिसके लिरिक्स रोला रीडा ने लिखे हुए है और रोल रेडा ही उसके सिंगर है प्रेमा आकाशम थे जो गाना है उसके लिरिक्स श्री मनी ने लिखे हुए थे सिंगर जसप्रीत जैस है वृंदावनम वाला गाना है उसके लिरिक्स सुदाला अशोक तेजा ने लिखे हुए है मंगिली ने उसको गाया हुआ है डेट नाइट करके गाने को रो रोला ने लिखा हुआ है रंजीत कोविंद और समीरा भारद्वाज के गाया हुआ है ये जिंदगी वाला गाना है उसको कृष्णकांत ने लिखा हुआ है राम मेरियाला ने उसको गाया हुआ है श्रीमणि अनंत श्री राम ने नुवेनाधेरियम करके गाना लिखा हुआ था उसको गाया हुआ था कार्तिक ने वहीं पे बेस ने वो नीचे ने करके जो गाना है उसको श्रीमणि ने लिखा हुआ है कपिल कफिलान और समीरा फादवा ने उसको गाया हुआ है इसके अलावा ओका ने ओका रानी करके जो गाना है वो कृष्णा कांत ने लिखा हुआ था सिंगर थे देवी श्री प्रसाद जो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर भी है की ओका रानी करके जो गाना है उसका रॉक वर्जन था उसको लिखा हुआ है कृष्णा कांत ने और यासिन निज़ार ने गाया हुआ है राजनम चमु रिमेक्स वर्जन है उसको क्रिएट किया हुआ गद्दार ने वहीं पर उसको वो गाया हुआ है दीपू ने तो ये टोटल दस गाने जिसकी लेंथ थे तीस मिनट अठारह सेकंड और ये सभी गाने फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे तेलुगु वर्जन में अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर आकाश यानी कि आशीष वो रोल प्ले कर करे जो एक केयर फ्री इंजीनियर कॉलेज स्टूडेंट है जिसको एक मेडिको नाम की लड़के मेडिकल लड़की जहाँ पे काव्या वो नाम है उसका वो रोल प्ले कर करे अनुपमा परमेश्वरन उससे प्यार हो जाता है कुछ समय के बाद काव्या भी आकाश को पसंद करने लगती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली राइवलरी है आकाश की कॉलेज की कुछ प्रॉब्लम थी उसकी लव स्टोरी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कुछ राइवलरी की वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट अब चॉइस ना बचने की वजह से आकाश और काव्या क्रशल डिसीजन पे आ जाते हैं अपनी जिंदगी की अब वो आगे क्या, क्या करेंगे क्या काव्या डॉक्टर की वी से बनने की तो बन पाएगी इसके अलावा आकाश के प्यार उसको मिल पाएगा क्या वो अपना लव आकाश जीत पाएगा तो वही सब सवालों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है दिल जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उनका नेफ्यू है आशीष रेड्डी जिन्होंने इस फिल्म के साथ डेब्यू किया हुआ है फिल्म का टाइटल रावड़ी बॉयस था वो किरदार भी कुछ उसी टाइप का लिखा हुआ था जहाँ पे वो डिसेंट नज़र आ रहे उनकी परफॉर्मेंस एज एक्टर के तौर पे इस्टेब्लिश होती हुई नज़र आ रही डांसिंग स्किल भी नज़र आ रही ओवरऑल दूसरे जो एक्टर्स है उन्होंने भी, भी जस्टिफाई किया हुआ है अनुपमा परमेश्वरन काफ़ी गोर्जस नजर आ रही है उनको आप जरूर पसंद करोगे उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है लीड पैर के बीच में जो परफॉर्मेंसेज देखने को मिलती है उनके बीच की जो केमिस्ट्री है वो अच्छी नजर आएगी कॉमेडी जिस तरह से क्रिएट की गई है साइड किस के द्वारा para तो वो सभी चीज़ें बढ़िया है सॉन्ग्स फिल्म के कुछ अच्छे थे वहीं पे विजुअल्स भी उसके काफ़ी बढ़िया नज़र आते हैं इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ है विजुअल्स काफ़ी रिच नज़र आते हैं जो फिल्म को सपोर्ट कर रहे थे हाँ इस फिल्म की कहानी में उतना कुछ नयापन नहीं था जहाँ पर चीज़ें उतनी कुछ अलग वे में दिख सकती थी वही इस टाइप के कई सारे सालों से कई सारी मूवीज़ आ रही है अनुपमा दिखने में काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी जहाँ पे वो अपनी एक्टिंग एबिलिटी को प्रूव कर सके उस कदर का उसका किरदार नहीं लिखा गया था लेकिन अगर उसको डाल डालते तो फिल्म और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा फिल्म का फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ जिस तरह से कहानी को दिखाया हुआ है पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल रूटीन रूटीन नज़र आता है कॉमेडी ट्रैक थोड़ा ओवर दी टॉप नज़र आता है तो वो फिल्म का माइनस पॉइंट कह सकते हैं प्रोडक्शन वैली फिल्म की काफ़ी बढ़िया है जिस तरह से विजुअल्स देखने को मिलते हैं सिनेमेटोग्राफी सभी चीज़ें बढ़िया नज़र आती है सभी लोकेशंस को बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है ब्यूटीफुल मैनर में शोकेस किया हुआ है गाने बी सभी अच्छे वहीं पर देवी श्री प्रसाद ने जिस तरह से बी क्रिएट किया हुआ है वो फिल्म को सपोर्ट दे रहा था एडिटिंग फिल्म की डिसेंट है वहीं पर डायरेक्टर हर कोनोगती ने इस फिल्म के साथ ओके काम किया हुआ है प्लॉट <coughs> उतना कुछ नया नहीं था शोकेस किया हुआ था अगर उसको स्क्रीन प्ले में थोड़ा बेटर वे में डालते थोड़ा अच्छा होता इसके अलावा उन्होंने डेबिडेंट एक्टर को अच्छी तरह से फिल्म में हैंडल किया हुआ था ओवरऑल राउडी बॉयज़ एक कोले ड्रामा फिल्म है जहाँ पे नोट उतने कुछ खास ट्विस्ट और टर्न्स देखने को नहीं मिलती है लेकिन आशीष रेड्डी का डिसेंट डेब्यू देखने को मिलता है फिल्म का फर्स्ट हाफ अच्छा है सेकंड हाफ थोड़ा डल है स्ट्रॉन्ग स्टोरी होती तो चीज़ें बेहतर होती तो एक दो चीज़ें जिसको इग्नोर करोगे तो फिल्म वन टाइम वॉचेबल तो ज़रूर लगेगी तो इस फिल्म को अगर आप थोड़ा ये इग्नोर करोगे तो देख सकते हो राउडी बॉयज फिल्म को 14 जनवरी 2022 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था आईएमडी पे करीबन 800 से हज़ार वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला और ठीक इसी तरह बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स हासिल किया था जहाँ पे ये फिल्म आरआरआर आर आर और राधे श्याम के साथ क्लेश होने वाली थी लेकिन बाद में चीज़ों को चेंज करते हुए इस फिल्म की रिलीज डेट को चेंज किया गया जहाँ पे फिल्म जिस तरह से रिलीज़ हुई जिस मौके पे तो उस टाइप की उस टाइम पे इस फिल्म ने डिसेंट वे में कलेक्शन कर लिया था इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते हैं जहाँ पे रावड़ी बॉयज़ के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो जी नेटवर्क वालों ने ख़रीदे हुए तो तेलुगु वर्जन के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए तो राउडी तो बॉयज़ को उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर फ़िलहाल में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे हिंदी डब वर्जन के राइट्स है वो आदित्य नेटवर्क के पास है यानी कि आदित्य मूवीज़ के पास है जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग तो कम्प्लीट करवाई है लेकिन अभी तक फिल्म को अवेलेबल नहीं किया हुआ है अब हम बात करें किस तरह से इस फिल्म को देख सकते हो उसके ऊपर तो राउडी बॉयज़ फिल्म को फिलहाल में आप तेलुगू वर्जन में जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन रावडी बॉयज नाम के साथ वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसके राइट्स आदित्य मूवीज़ के पास है अब वो इस फिल्म को जब कभी भी का रिलीज़ करवाएंगे तो पहले इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर होगा उसके बाद उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को रावडी बॉयज नाम के साथ आप ऑफिशियली एंजॉय कर सकोगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि रावड़ी बॉयज फिल्म का आप ऑफिशियली एंजॉय कर सकोगे तेलगु वर्जन में जी फाइव एप के ऊपर जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको जी तेलुगु के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पे रावड़ी बॉयज का जो हिंदी डब वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा आदित्य मूवीज के द्वारा वो वो पहले टेलीविजन पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे उसके बाद उनकी यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकोगे तो इस तरह से रावडी बॉयज़ फिल्म को आप तेलुगु और हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो रावडी बॉयज़ जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज कमिंग ऑफ एज रोमेंटिक और ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है श्री हर्षा कोनुगत्ती ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ दिल राजू और सीरीज ने जिन्होंने श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी आर मधी ने किए हुए एडिटिंग मधु ने किए हुए इसको एक सौ पैंतालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है उन्होंने तो ये फिल्म एक दो घंटे और पच्चीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए इस फिल्म में टोटल दस गाने सभी वर्जन मिला ले तो जहां पे सभी गानों को ऑफिशियली आप आदित्य म्यूजिक के ऊपर सुन सकते हो वहीं पे एक ट्रैक है उसको लहरी म्यूजिक के ऊपर ऑफिशियली सुन सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी थी श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है तो ये उनकी ही रिलीज थी जहां पे इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करे तो आशीष टाइटल रोल प्ले सॉरी इस फिल्म का लीड रोल प्ले कर करे अक्षय का जिनकी डेब्यू फिल्म है उनके अपोजिट अनुपमा परमेश्वरन को कास्ट की गई है जो काव्या का रोल प्ले कार्तिक रत्नम सहदेव विक्रम तेज कुरुपाती इस फिल्म में सपोर्टिंग में देखने को मिलेंगे उनके साथ राजा रवि प्रणीता रेड डिकल लेम और पृथ्वी भी देखने को मिलेंगे कोमली प्रसाद इस फिल्म में सुरती का रोल प्ले कर रहे हैं जो काव्या की फ्रेंड है श्रीकांत अयंगर को अक्सय के फादर का रोल दिया गया था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो मार्च दो में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि इस फिल्म में अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में होने वाली है राहुल रामाकृष्णन को भी इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया था लेकिन उनका एक बिजी शेड्यूल था आर आर फिल्म के साथ जिस वजह से वो इस फिल्म के साथ नहीं जुड़ पाए थे बाद में राजा रवि को उस रोल के लिए कास्ट किया गया था और उसके बाद में इस तरह से पूरी तरह से फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी बाद में जनवरी 2020 को इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ़ फ़ोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था करीबन छः सात महीने की इस फिल्म की सॉरी करीबन ये फिल्म की पाँच छः महीने की शूटिंग होने वाली थी और अलग अलग शेड्यूल के तहत लेकिन कोविड की वजह से शूटिंग रोकनी पड़ी और उसके बाद में जो कोविड के प्रोटोकॉल थे उसको फॉलो करते हुए रेपअप किया गया था तेरह अक्टूबर दो को तो ये इस तरह से इस फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया गया था जहाँ पे आखिर में डेट नाइट करके जो था वो कंपोज कराया था जानी मास्टर ने कोरियोग्राफ किया था वो गाने की शूटिंग के साथ फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था तो उसके बाद में इस फिल्म की मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करे तो देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं फिल्म में टोटल अलग अलग वर्जन मिला ले तो दस गाने जहाँ पे पहला गाना है राउडी बॉयज टाइटल सॉन्ग जिसके लिरिक्स रोला रीडा ने लिखे हुए है और रोल रीडा ही उसके सिंगर है प्रेमा आकाशम थे जो गाना है उसके लिरिक्स श्री मनी ने लिखे हुए थे सिंगर जसप्रीत जयसे वृंदावनम वाला गाना है उसके लिरिक्स सुधाला अशोक तेजा ने लिखे हुए है मंगिली ने उसको गाया हुआ है डेट नाइट करके गाने को रोरोला रेडी ने लिखा हुआ है रंजीत कोविंद और समीरा भारद्वाज के बाद गवाया हुआ है ये जिंदगी वाला गाना है। उसको कांत ने लिखा हुआ है। राम मिर्याला ने उसको गाया हुआ है श्रीमणि अनंत श्री राम ने नुवे गाना लिखा हुआ था उसको गाया हुआ था कार्तिक ने वहीं पे ने ओ नीचे ने करके जो गाना है उसको श्रीमणि ने लिखा हुआ है कपिल कपिलान और समीरा भाजवा ने उसको गाया हुआ है इसके अलावा ओका ने ओका रानी कर के जो गाना है वो कृष्णा कांत ने लिखा हुआ था सिंगर थे देवी श्री प्रसाद जो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर भी है ओका रे की ओक्का रानी कर के जो गाना है उसका रॉक वर्जन था उसको लिखा हुआ है कृष्णा कांत ने और यासिन निज़ार ने गाया हुआ है राजा नम चमनु रिमेक्स वर्जन है उसको क्रिएट किया हुआ है गद्दार ने वहीं पर उसको गाया हुआ है दीपू ने तो ये टोटल दस गाने जिसकी लेंथ है तीस मिनट अठारह सेकंड सभी गाने फिलहाल में वीडियो फॉर्मेट में ऑफिशियल आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे तेलगु वर्जन में अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर आकाश यानी कि आशीष वो रोल प्ले करे जो एक केयर फ्री इंजीनियर कॉलेज स्टूडेंट है जिसको एक अ, मेडिको नाम की लड़की अ, मेडिकल लड़की जहाँ पे काव्या वो नाम है उसका वो रोल प्ले करे अनुपमा परमेश्वरन उससे प्यार हो जाता है कुछ समय के बाद काव्या भी आकाश को पसंद करने लगती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली राइवलरी है आकाश के कॉलेज की कुछ प्रॉब्लम थी उसकी लव स्टोरी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कुछ राइवलरी की वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट अब चोइस ना बचने की वजह से आकाश और काव्या क्रिशल डिसीजन पे आ जाते अपनी जिंदगी की कि आप वो आगे क्या, क्या करेंगे क्या काव्या डॉक्टर की वी से बनने की तो वो बन पाएगी इसके अलावा आकाश के प्यार उसको मिल पाएगा क्या वो अपना लव आकाश जीत पाएगा तो वही सब सवालों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है दिलराज जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उनका नेफ्यू है आशीष रेड्डी जिन्होंने इस फिल्म के साथ डेब्यू किया हुआ है फिल्म का टाइटल रावड़ी बॉयज था वो किरदार भी कुछ उसी टाइप का लिखा हुआ था जहाँ पे वो डिसेंट नज़र आ रहे उनकी परफॉर्मेंस एज एक्टर के तौर पे इस्टेब्लिश होती हुई नज़र आ रही डांसिंग स्किल भी नज़र आ रही ओवरऑल दूसरे जो एक्टर्स है उन्होंने भी, भी जस्टिफाई किया हुआ है अनुपमा परमेश्वरन काफ़ी गोर्ज नजर आ रही है उनको आप जरूर पसंद करोगे उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है लीड पैर के बीच में जो परफॉर्मेंसेज देखने को मिलती है उनके बीच की जो केमिस्ट्री है वो अच्छी नजर आएगी कॉमेडी जिस तरह से क्रिएट की गई है साइड किस के ら तो वो सभी चीज़ें बढ़िया है सॉन्ग्स फिल्म के कुछ अच्छे थे वहीं पे विजुअल्स भी उसके काफ़ी बढ़िया नजर आते हैं इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ है विजुअल्स काफ़ी रिच नज़र आते हैं जो फिल्म को सपोर्ट कर रहे थे हाँ इस फिल्म की कहानी में उतना कुछ नयापन नहीं था जहाँ पर चीज़ें उतनी कुछ अलग वे में दिख सकती थी वही इस टाइप के कई सारे सालों से कई सारी मूवीज़ आ रही है अनुपमा दिखने में काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी जहाँ पे वो अपनी एक्टिंग एबिलिटी को प्रूव कर सके उस कदर का उसका किरदार नहीं नहीं लिखा गया था लेकिन अगर तो डाल सकते तो फिल्म तो और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा फिर तो का फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ जिस तरह से कहानी को दिखाया हुआ है पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल रूटीन नजर आता है कॉमेडी ट्रैक थोड़ा ओवर दी टॉप नजर आता है तो वो फिल्म का माइनस पॉइंट कह सकते हैं प्रोडक्शन वैली फिल्म की काफ़ी बढ़िया है जिस तरह से विजुअल्स देखने को मिलते हैं सिनेमेटोग्राफी सभी चीज़ें बढ़िया नजर आती है सभी लोकेशंस को बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है ब्यूटीफुल मैनर में शोकेस किया हुआ है गाने बी सभी अच्छे वहीं पर देवी श्री प्रसाद ने जिस तरह से बीजेम क्रिएट किया हुआ है वो फिल्म को सपोर्ट दे रहा था एडिटिंग फिल्म की डिसेंट है वहीं पे डायरेक्टर हर कौन होगा तीन इस फिल्म के साथ ओके काम किया हुआ है प्लॉट उतना कुछ नया नहीं था शोकेस किया हुआ था अगर उसको स्क्रीन प्ले में थोड़ा बेटर वे में डालते थोड़ा अच्छा होता इसके अलावा उन्होंने डेबिडेंट एक्टर को अच्छी तरह से फिल्म में हैंडल किया हुआ था ओवरऑल रौडी बॉयज एक कोलेड्रामा फिल्म है जहां पे नोट होते कुछ खास ट्विस्ट और टर्नस देखने को नहीं मिलती है लेकिन आशीष रेड्डी का डिसेंट डेब्यू देखने को मिलता है फिल्म का फर्स्ट हाफ अच्छा है सेकंड हाफ थोड़ा डल है स्ट्रॉन्ग स्टोरी होती तो चीज़ें बेहतर होती तो एक दो चीज़ें जिसको इग्नोर करोगे तो फिल्म वन टाइम वॉचेबल तो ज़रूर लगेगी तो इस फिल्म को अगर आप थोड़ा ये इग्नोर करोगे तो देख सकते हो राउडी बॉयज फिल्म को 14 जनवरी 2022 को थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था आईएमडी पे करीबन 800 तो से हज़ार वोट मिले हुए हैं जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला और ठीक इसी तरह बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स हासिल किया था जहाँ पे ये फिल्म आर 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 और राजेश्याम के साथ क्लेस होने वाली थी लेकिन बाद में चीज़ों को चेंज करते हुए इस फिल्म की रिलीज डेट को चेंज किया गया जहाँ पे फिल्म जिस तरह से रिलीज़ हुई जिस मौके पे तो उस टाइप की उस टाइम पे इस फिल्म ने डिसेंट वे में कलेक्शन कर लिया था इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते हैं जहाँ पे राउडी बॉयज़ के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो जी नेटवर्क वालों ने ख़रीदे हुए तो तेलुगु वर्जन के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए तो रावडी बॉयज़ को उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर फिलहाल में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे हिंदी डब वर्जन के राइट्स है वो आदित्य नेटवर्क के पास है यानी कि आदित्य मूवीज़ के पास है जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग तो कम्प्लीट करवाई है लेकिन अभी तक फिल्म को अवेलेबल नहीं किया हुआ है अब हम बात करें किस तरह से इस फिल्म को देख सकते हो उसके ऊपर तो राउडी बॉयज़ फिल्म को फ़िलहाल में आप तेलुगू वर्जन में जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन रावडी बॉयज़ नाम के साथ वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसके राइट्स आदित्य मूवीज़ के पास है अब वो इस फिल्म को जब कभी भी का रिलीज़ करवाएंगे तो पहले इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर होगा उसके बाद उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को रावडी बॉयज नाम के साथ आप ऑफिशियली एंजॉय कर सकोगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि रावड़ी बॉयज फिल्म का आप ऑफिशियली एंजॉय uh, कर सकोगे uh, तेलुगु वर्जन में जी5 ऐप uh, के ऊपर जी5 ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको जी तेलुगु के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पे रावड़ी बॉयज का जो हिंदी डब वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा आदित्य मूवीज़ के द्वारा वो, वो पहले टेलीविजन पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे उसके बाद उनकी यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म का आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकोगे तो इस तरह से राउडी बॉयज फिल्म को आप तेलुगु और हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो राउडी बॉयज जो दो की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज कमिंग ऑफ एज रोमेंटिकॉरिज ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ श्री हर्षा कोनुगत्ती ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दिल राजू और सीरीज ने जिन्होंने श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी आर मधी ने किए हुए एडिटिंग मधु ने किए हुए इसको एक सौ पैंतालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है उन्होंने तो ये फिल्म एक दो घंटे और पच्चीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए इस फिल्म में टोटल दस गाने सभी वर्जन मिला ले तो जहाँ पे सभी गानों को ऑफिशियली आप आदित्य म्यूजिक के ऊपर सुन सकते हो वहीं पे एक ट्रैक है उसको लहरी म्यूजिक के ऊपर ऑफिशियली सुन सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी थी श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है तो ये उनकी ही रिलीज थी जहाँ पे इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो आशीष टाइटल रोल प्ले सॉरी इस फिल्म का लीड रोल प्ले कर रहे अक्षय का जिनकी डेब्यू फिल्म है उनके अपोजिट अनुपमा परमेश्वरन को कास्ट की गई है जो काव्या का रोल प्ले कर कार्तिक रत्नम सहदेव विक्रम तेज कुरपाती इस फिल्म में सपोर्टिंग में देखने को मिलेंगे उनके साथ राजा रवि प्रणीता रेड डिकल और पृथ्वी भी देखने को मिलेंगे कोमली प्रसाद इस फिल्म में सुरती का रोल प्ले कर रहे हैं जो काव्या की फ्रेंड है श्रीकांत अयंगर को अक्सय के फादर का रोल दिया गया था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो मार्च 2020 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि इस फिल्म में अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में होने वाली है राहुल रामाकृष्णन को भी इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया था लेकिन उनका एक बिजी शेड्यूल था आर फिल्म के साथ जिस वजह से वो इस फिल्म के साथ नहीं जुड़ पाए थे बाद में राजा रवि को उस रोल के लिए कास्ट किया गया था और उसके बाद में इस तरह से पूरी तरह से से पूरी फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी बाद में जनवरी 2020 को इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था करीबन छह सात महीने की इस फिल्म की सॉरी करीबन ये फिल्म की पांच छह महीने की शूटिंग होने वाली थी और अलग अलग शेड्यूल के तहत लेकिन कोविड की वजह से शूटिंग रोकनी पड़ी और उसके बाद में जो कोविड के प्रोटोकॉल थे को फॉलो करते हुए रेपअप किया गया था तेरह अक्टूबर दो को तो ये इस तरह से इस फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया गया था जहां पे आखिर में डेट नाइट करके जो गाना था वो कंपोज था जानिस मास्टर ने कोरियोग्राफ किया था वो गाने की शूटिंग के साथ फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था तो उसके बाद में इस फिल्म की मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग इन सभी चीजों के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए फिल्म में टोटल अलग अलग वर्जन मिला पहले तो दस गाने जहाँ पे पहला गाना है रावड़ी बॉयज टाइटल सॉन्ग जिसके लिरिक्स रोलर रीडा ने लिखे हुए और रोल रिडाई उसके सिंगर है प्रेमा आका समय थे जो गाना है उसके लिरिक्स श्री ने लिखे हुए थे सिंगर जसप्रीत जय से वृंदावनम वाला गाना है उसके लिरिक्स सुधाला अशोक तेजा ने लिखे हुए मंगिली ने उसको गाया हुआ है डेट नाइट करके गाने को रोरोला रेडी ने लिखा हुआ है रंजीत कोविंद और समीरा भारद्वाज के पास गवाया हुआ है ये जिंदगी वाला गाना है उसको कृष्णाकांत ने लिखा हुआ है राम मीरियाला ने उसको गाया हुआ है श्रीमणि अनंत श्री राम ने नुव्यना धैर्यम करके गाना लिखा हुआ था उसको गाया हुआ था कार्तिक ने वहीं पे वेश ने वो नीचे ने करके जो गाना है उसको श्रीमणि ने लिखा हुआ है कपिल कपिलान और समीरा भादवा ने उसको गाया हुआ है इसके अलावा ओका ने ओका रानी जो गाना है वो कृष्णा कांत ने लिखा हुआ था सिंगर थे देवी श्री प्रसाद जो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर भी है ओकर की ओक्का रानी जो गाना है उसका रोक वर्जन था उसको लिखा हुआ है कृष्णा कांत ने और यासिन निज़ार ने गाया हुआ है राजनम चमनु रिमेक्स वर्जन है उसको क्रिएट किया हुआ गद्दार ने वहीं पर उसको और गाया हुआ है दीपू ने तो ये टोटल दस गा जिसकी लेंथ है मिनट सेकंड और ये सभी गाने फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे तेलुगु वर्जन में अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर आकाश यानी कि आशीष वो रोल प्ले करे जो एक केयर फ्री इंजीनियर कॉलेज स्टूडेंट है जिसको एक मेडिको नाम की लड़की मेडिकल लड़की जहाँ पे काव्या वो नाम है उसका वो रोल प्ले करे अनुपमा परमेश्वरन उससे प्यार हो जाता है कुछ समय के बाद काव्या भी आकाश को पसंद करने लगती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली राइवलरी है आकाश की कॉलेज की कुछ प्रॉब्लम थी उसकी लव स्टोरी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कुछ राइवलरी की वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है अब चॉइस ना बचने की वजह से आकाश और काव्या क्रूसल डिसीजन पे आ जाती है अपनी जिंदगी की क्या क्या वो आगे क्या करेंगे क्या काव्या डॉक्टर की वी से बनने की तो वो बन पाएगी इसके अलावा आकाश के प्यार उसको मिल पाएगा क्या वो अपना लव आकाश जीत पाएगा तो वही सब सवालों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है दिल राजू जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उनका नेफ्यू है आशीष रेड्डी जिन्होंने इस फिल्म के साथ डेब्यू किया हुआ है फिल्म का टाइटल रावड़ी बॉयज था वो किरदार भी कुछ उसी टाइप का लिखा हुआ था जहाँ पे वो डिसेंट नज़र आ रहे उनकी परफॉर्मेंस एज एक्टर के तौर पे इस्टेब्लिश होती हुई नज़र आ रही डांसिंग स्किल भी नज़र आ रही ओवरऑल दूसरे जो एक्टर्स है उन्होंने भी, भी जस्टिफाई किया हुआ है अनुपमा परमेश्वरन काफ़ी गोर्ज नज़र आ रही है उनको आप ज़रूर पसंद करोगे उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है लीड पर के बीच में जो परफॉर्मेंसेज देखने को मिलती है उनके बीच की जो केमिस्ट्री है वो अच्छी नज़र आएगी कॉमेडी जिस तरह से क्रिएट किए गए साइड किस के तो वो सभी चीज़ें बढ़िया है सॉन्ग्स फिल्म के कुछ अच्छे थे वहीं पे विजुअल्स भी उसके काफ़ी बढ़िया नज़र आते हैं इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ है विजुअल्स काफ़ी रिच नज़र आते हैं जो फिल्म को सपोर्ट कर रहे थे हाँ इस फिल्म की कहानी में उतना कुछ नयापन नहीं था जहाँ पे चीज़ें उतनी कुछ अलग वे में दिख सकती थी वही इस टाइप के कई सारे सालों से कई सारी मूवीज़ आ रही है अनुपमा दिखने में काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी जहाँ पे वो अपनी एक्टिंग एबिलिटी को प्रूव कर सके उस कदर का उसका किरदार नहीं लिखा गया था लेकिन अगर उसको तो डाल सकते तो और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा फिल्म तो का फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ जिस तरह से कहानी को दिखाया हुआ है पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल रूटीन नज़र आता है कॉमेडी ट्रेक थोड़ा ओवर दी टॉप नज़र आता है तो वो फिल्म का माइनस पॉइंट कह सकते हैं प्रोडक्शन वाली फिल्म की काफ़ी बढ़िया है जिस तरह से विजुअल्स देखने को मिलते हैं सिनेमेटोग्राफी सभी चीज़ें बढ़िया नज़र आती है सभी लोकेशंस को बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है ब्यूटीफुल मैनर में शोकेस किया हुआ है गाने बी जी एम सभी अच्छे है वहीं पर देवी श्री प्रसाद ने जिस तरह से बीजेम क्रिएट किया हुआ है वो फिल्म को सपोर्ट दे रहा था एडिटिंग फिल्म की डिसेंट है वहीं पर डायरेक्टर हर्षा कोनूगत ने इस फिल्म के साथ ओके काम किया हुआ है प्लॉट उतना कुछ नया नहीं था शोकेस किया हुआ था अगर उसको स्क्रीन प्ले में थोड़ा बेटर वे में डालते थोड़ा अच्छा होता इसके अलावा उन्होंने डेबिडेंट एक्टर को अच्छी तरह से फिल्म में हैंडल किया हुआ था ओवरऑल रौडी बॉयज एक कोलेड्रामा फिल्म है जहां पे नोट होते कुछ खास ट्विस्ट और टर्नस देखने को नहीं मिलती है लेकिन आशीष रेड्डी का एडिसिन डेब्यू देखने को मिलता है फिल्म का फर्स्ट हाफ अच्छा है सेकंड हाफ थोड़ा डल है स्ट्रॉन्ग स्टोरी होती तो चीज़ें बेहतर होती तो एक दो चीज़ें जिसको इग्नोर करोगे तो फिल्म वन टाइम वॉचेबल तो ज़रूर लगेगी तो इस फिल्म को अगर आप थोड़ा ये इग्नोर करोगे तो देख सकते हो राउडी बॉयज़ फिल्म को चौदह जनवरी दो को थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था आईएमडी पे करीबन 800 से हज़ार वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला और ठीक इसी तरह बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स हासिल किया था जहाँ पे ये फिल्म आर, आर, आर और राधे श्याम के साथ क्लेस होने वाली थी लेकिन बाद में चीज़ों को चेंज करते हुए इस फिल्म की रिलीज डेट को चेंज किया गया जहाँ पे फिल्म जिस तरह से रिलीज़ हुई जिस मौके पे तो उस टाइप की उस टाइम पे इस फिल्म ने डिसेंट वे में कलेक्शन कर लिया था इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते हैं जहाँ पे रावड़ी बॉयज़ के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो जी नेटवर्क वालों ने ख़रीदे हुए तो तेलुगु वर्जन के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए तो, तो रावड़ी बॉयज़ को उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर फ़िलहाल में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पर हिंदी डब वर्जन के राइट्स है वो आदित्य नेटवर्क के पास है यानी कि आदित्य मूवीज़ के पास है जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग तो कम्प्लीट करवाई है लेकिन अभी तक फिल्म को अवेलेबल नहीं किया हुआ है अब हम बात करें किस तरह से इस फिल्म को देख सकते हो उसके ऊपर तो राउडी बॉयज़ फिल्म को फिलहाल में आप तेलुगु वर्जन में जी फाइव ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन रावड़ी बॉयज नाम के साथ वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसके राइट्स का आदित्य मूवीज़ के पास है अब वो इस फिल्म को जब कभी भी का रिलीज़ करवाएंगे तो पहले इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर होगा उसके बाद उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को रावड़ी बॉयज नाम के साथ आप ऑफिशियली ऑफिशियलीजॉय कर सकोगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि राउडी बॉयज फिल्म का आप ऑफिशियली इंजॉय कर सकोगे तेलुगु वर्जन में जी ऐप के ऊपर जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पर इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको जी तेलुगु के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पर रावडी बॉयज़ का जो हिंदी डब वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा आदित्य मूवीज़ के द्वारा वो वो पहले टेलीविजन पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे उसके बाद उनकी यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म का आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकोगे तो इस तरह से रावडी बॉयज फिल्म को आप तेलुगु और हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो राउडी बॉयजो दो हजार की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज कमिंग ऑफ एज रोमेंटिकॉरिज ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है श्री हर्षा कोनुगत्ती ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दिल राजू और सीरीज ने जिन्होंने श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी आर मधी ने किए हुए एडिटिंग मधु ने किए हुए इस को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है उन्होंने तो ये फिल्म एक दो घंटे और पच्चीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए इस फिल्म में टोटल दस गाने सभी वर्जन मिला ले तो जहाँ पे सभी गानों को ऑफिशियली आप आदित्य म्यूजिक के ऊपर सुन सकते हो वहीं पे एक ट्रैक है उसको लहरी म्यूजिक के ऊपर ऑफिशियली सुन सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी थी श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है तो ये उनकी ही रिलीज थी जहाँ पे इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करे तो आशीष टाइटल रोल प्ले सॉरी इस फिल्म का लीड रोल प्ले कर रहे अक्षय का जिनकी डेब्यू फिल्म है उनके अपोजिट अनुपमा परमेश्वरन को कास्ट की गई है जो काव्या का रोल प्ले कर कार्तिक रत्नम सहदेव विक्रम तेज कुरुपाती इस फिल्म में सपोर्टिंग में देखने को मिलेंगे उनके साथ राजा रवि प्रणीता रेडिकल लेम और पृथ्वी भी देखने को मिलेंगे कोमली प्रसाद इस फिल्म में सुरती का रोल प्ले कर रहे हैं जो काव्या की फ्रेंड है श्रीकांत अयंगर को अक्सर के फादर का रोल दिया गया था तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो मार्च 2020 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि इस फिल्म में अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में होने वाली है राहुल रामाकृष्णन को भी इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया था लेकिन उनका एक बिजी शेड्यूल था आरआर फिल्म के साथ जिस वजह से वो इस फिल्म के साथ नहीं जुड़ पाए थे बाद में राजा रवि को उस रोल के लिए कास्ट किया गया था और उसके बाद में इस तरह से पूरी तरह से फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी बाद में जनवरी 2020 को इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ़ फ़ोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था करीबन छः सात महीने की इस फिल्म की सॉरी करीबन ये फिल्म की पाँच छः महीने की शूटिंग होने वाली थी और अलग अलग शेड्यूल के तहत लेकिन कोविड की वजह से शूटिंग रोकनी पड़ी और उसके बाद में जो कोविड के प्रोटोकॉल थे उसको फॉलो करते हुए ब्रेपअप किया गया था तेरह अक्टूबर दो को तो ये इस तरह से इस फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया गया था जहाँ पे आखिर में डेट नाइट करके जो गाना था वो कंपोज कराया था जानी मास्टर ने कोरियोग्राफ किया था वो गाने की शूटिंग के साथ फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था तो उसके बाद में इस फिल्म की मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग इन सभी चीजों के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे ट्रैक के ऊपर बातचीत करे तो देवी प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं फिल्म में टोटल अलग अलग, अलग वर्जन मिला ले तो दस गाने हैं जहाँ पे पहला गाना है रावडी बॉयज टाइटल सॉन्ग जिसके लिरिक्स रोला रेडा ने लिखे हुए है और रोल रीडा ही उसके सिंगर है प्रेमा आकाशम थे जो गाना है उसके लिरिक्स श्री मनी ने लिखे हुए थे सिंगर जसप्रीत जयसे वृंदावनम वाला गाना है उसके लिरिक्स सुधाला अशोक तेजा ने लिखे हुए है मंगिली ने उसको गाया हुआ है डेट नाइट करके गाने को रो रोला रेडी ने लिखा हुआ है रंजीत कोविंद और समीरा भारद्वाज के गवाया हुआ है ये जिंदगी वाला गाना है उसको कृष्णाकांत ने लिखा हुआ है राम मीरियाला ने उसको गाया हुआ है श्रीमणि अनंत श्री राम ने ना धीरियम करके गाना लिखा हुआ था उसको गाया हुआ था कार्तिक ने वहीं पे पर ने और नीचे ने करके जो गाना है उसको श्रीमणि ने लिखा हुआ है कपिल कपिलान और समीरा भादवा ने उसको गाया हुआ है इसके अलावा ओका ने ओका रानी करके जो गाना है वो कृष्णकांत ने लिखा हुआ था सिंगर थे देवी श्री प्रसाद जो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर भी है ओकर की करके जो गाना है उसका रोक वर्जन था उसको लिखा हुआ जिसकी लेंथस मिनट अट्ठारह सेकंड सभी गाने फिलहाल में वीडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली आदि थे म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे तेलुगु वर्जन में अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर आकाश यानी कि आशीष वो रोल प्ले करे जो एक केयर फ्री इंजीनियर कॉलेज स्टूडेंट है जिसको एक अ, मेडिको नाम की लड़के अ, मेडिकल लड़की जहाँ पे काव्या वो नाम है उसका वो रोल प्ले करे अनुपमा परमेश्वर उससे प्यार हो जाता है कुछ समय के बाद काव्या भी आकाश को पसंद करने लगती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली राइवलरी है आकाश के कॉलेज की कुछ प्रॉब्लम थी उसकी लव स्टोरी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कुछ राइवलरी की वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट अब चॉइस ना बचने की वजह से आकाश और काव्या क्रिशल डिसीजन पे आ जाते हैं अपनी जिंदगी की कि आप वो आगे क्या करेंगे क्या काव्या डॉक्टर की वी से बनने की तो बन पाएगी इसके अलावा आकाश के प्यार उसको मिल पाएगा क्या वो अपना लव आकाश जीत पाएगा तो वही सब सवालों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है दिलराजू जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उनका नेफ्यू है आशीष रेड्डी जिन्होंने इस फिल्म के साथ डेब्यू किया हुआ है फिल्म का टाइटल रावड़ी बॉयज था वो किरदार भी कुछ उसी टाइप का लिखा हुआ था जहाँ पे वो डिसेंट नज़र आ रहे उनकी परफॉर्मेंस एज एक्टर के तौर पे इस्टेब्लिश होती हुई नज़र आ रही डांसिंग स्किल भी नज़र आ रही ओवरऑल दूसरे जो एक्टर्स है उन उन्होंने भी, भी जस्टिफाई किया हुआ है अनुपमा परमेश्वरन काफ़ी गोरज नज़र आ रही है उनको आप ज़रूर पसंद करोगे उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है लीड पर के बीच में जो परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है उनके बीच की जो केमिस्ट्री है वो अच्छी नज़र आएगी कॉमेडी जिस तरह से क्रिएट की गई है साइड किस के

उसका किरदार नहीं लिखा गया था लेकिन अगर उसको डाल दे तो फिल्म और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा फिल्म तो का फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ जिस तरह से कहानी को दिखाया हुआ है पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल रूटी रूटीन नज़र आता है कॉमेडी ट्रैक थोड़ा ओवर दी टॉप नजर आता है तो वो फिल्म का माइनस पॉइंट कह सकते हैं प्रोडक्शन वेली फिल्म की काफ़ी बढ़िया है जिस तरह से विजुअल्स देखने को मिलते हैं सिनेमेटोग्राफी सभी चीज़ें बढ़िया नज़र आती है सभी लोकेशंस को बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है ब्यूटीफुल मैनर में शोकेस किया हुआ है गाने बी सभी अच्छे वहीं पर देवी श्री प्रसाद ने जिस तरह से बीजेम क्रिएट किया हुआ है वो फिल्म को सपोर्ट दे रहा था एडिटिंग फिल्म की डिसेंट है वहीं पर डायरेक्टर हर्षक कौन होगा तीन इस फिल्म के साथ ओके काम किया हुआ है प्लॉट <coughs> उतना कुछ नया नहीं था शोकेस किया हुआ था अगर उसको स्क्रीन प्ले में थोड़ा बेटर वे में डालते थोड़ा अच्छा होता इसके अलावा उन्होंने डेबिडेंट एक्टर को अच्छी तरह से फिल्म में हैंडल किया हुआ था ओवरऑल रावडी बॉयज एक कोलेड्रामा फिल्म है जहां पे नोट उतने कुछ खास तो इस्टो टर्नस देखने को नहीं मिलती है लेकिन आशीष रेड्डी का एडिसिन डेब्यू देखने को मिलता है फिल्म का फर्स्ट हाफ अच्छा है सेकंड हाफ थोड़ा डल है स्ट्रॉग स्टोरी होती तो चीज़ें बेहतर होती तो एक दो चीज़ें जिसको इग्नोर करोगे तो फिल्म वन टाइम वॉचेबल तो ज़रूर लगेगी तो इस फिल्म को अगर आप थोड़ा ये इग्नोर करोगे तो देख सकते हो राउडी बॉयज़ फिल्म को चौदह जनवरी दो को थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था आईएमडी पे करीबन 800 से हज़ार वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला और ठीक इसी तरह बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स हासिल किया था जहाँ पे ये फिल्म आर 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 और राधे श्याम के साथ क्लेश होने वाली थी लेकिन बाद में चीज़ों को चेंज करते हुए इस फिल्म की रिलीज डेट को चेंज किया गया जहाँ पे फिल्म जिस तरह से रिलीज़ हुई जिस मौके पे तो उस टाइप की उस टाइम पे इस फिल्म ने डिसेंट वे में कलेक्शन कर लिया था इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते हैं जहाँ पे राउडी बॉयज़ के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो जी नेटवर्क वालों ने ख़रीदे हुए तो तेलुगु वर्जन के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए तो, तो रावड़ी बॉयज़ को उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर फ़िलहाल में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पर हिंदी डब वर्जन के राइट्स है वो आदित्य नेटवर्क के पास है यानी कि आदित्य मूवीज़ के पास है जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग तो कम्प्लीट करवाई है लेकिन अभी तक फिल्म को अवेलेबल नहीं किया हुआ है अब हम बात करें किस तरह से इस फिल्म को देख सकते हो उसके ऊपर तो रावड़ी बॉयज़ फिल्म को फिलहाल में आप तेलुगु वर्जन में जी फाइव ओ टी के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन रावड़ी बॉयज नाम के साथ वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसके राइट्स आदित्य मूवीज़ के पास है अब वो इस फिल्म को जब कभी भी का रिलीज़ करवाएंगे तो पहले इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर होगा उसके बाद उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को रावड़ी बॉयज नाम के साथ आप ऑफिशियली एंजॉय कर सकोगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि रावडी बॉयज फिल्म का आप ऑफिशियली एंजॉय कर सकोगे तेलुगु वर्जन में जी5 ऐप के ऊपर जी5 ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको जीज तेलुगु के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पर रावड़ी बॉयज़ का जो हिंदी डब वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा आदित्य मूवीज़ के द्वारा वो वो पहले टेलीविजन पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे उसके बाद उनकी यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म का आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकोगे तो इस तरह से रावडी बॉयज फिल्म को आप तेलुगु और हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो रावड़ी बॉयज जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज कमिंग ऑफ एज रोमेंटिकॉरिज ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है श्री हर्षा कोनुगत्ती ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दिल राजू और सीरीज ने जिन्होंने श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी आर मधी ने किए हुई एडिटिंग मधु ने किए हुए इसको एक सौ पैंतालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है उन्होंने तो ये फिल्म एक दो घंटे और पच्चीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए इस फिल्म में टोटल दस गाने वजन मिला ले तो जहां पे सभी गानों को ऑफिशियली आप आदित्य म्यूजिक के ऊपर सुन सकते हो वहीं पे एक ट्रैक है उसको लहरी म्यूजिक के ऊपर ऑफिशियली सुन सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी थी श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है तो ये उनकी ही रिलीज थी जहां पे इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करे तो आशीष टाइटल रोल प्ले सॉरी इस फिल्म का लीड रोल प्ले करे अक्षय का जिनकी डेब्यू फिल्म है उनके अपोजिट अनुपमा परमेश्वरन को कास्ट की गई है जो काव्या का रोल प्ले करी है कार्तिक रत्नम साहिदेव विक्रम तेज कुरुपाती इस फिल्म में सपोर्टिंग में देखने को मिलेंगे उनके साथ राजा रवि प्रणीता रेड्डी कल लेम और पृथ्वी भी देखने को मिलेंगे कोमली प्रसाद इस फिल्म में श्रुति का रोल प्ले कर रहे हैं जो काव्या की फ्रेंड है श्रीकांत अयंगर को अक्सय के फादर का रोल दिया गया था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो मार्च दो में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि इस फिल्म में अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में होने वाली है राहुल रामाकृष्णन को भी इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया था लेकिन उनका एक बिजी शेड्यूल था आरआर फिल्म के साथ जिस वजह से वो इस फिल्म के साथ नहीं जुड़ पाए थे बाद में राजा रवि को उस रोल के लिए कास्ट किया गया था और उसके बाद में इस तरह से पूरी तरह से फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी बाद में जनवरी 2020 को इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था करीबन छः सात महीने की इस फिल्म की सॉरी करीबन ये फिल्म की पाँच छः महीने की शूटिंग होने वाली थी और अलग अलग शेड्यूल के तहत लेकिन कोविड की वजह से शूटिंग रोकनी पड़ी और उसके बाद में जो कोविड के प्रोटोकॉल थे उसको फॉलो करते हुए रेपअप किया गया था तेरह अक्टूबर दो को तो ये इस तरह से इस फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया गया था जहाँ पे आखिर में डेट नाइट करके जो था वो कंपोज कर रहा था जानी मास्टर ने कोरियोग्राफ किया था वो गाने की शूटिंग के साथ फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था तो उसके बाद में इस फिल्म की मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए फिल्म में टोटल अलग अलग वर्जन मिला ले तो दस गाने जहाँ पे पहला गाना है रावड़ी बॉयज टाइटल सॉन्ग जिसके लिरिक्स रोला रीडा ने लिखे हुए हैं और रोल रीडा ही उसके सिंगर है प्रेमा आकाशम थे जो गाना है उसके लिरिक्स श्री मनी ने लिखे हुए थे सिंगर जसप्रीत जैसे वृंदावनम वाला गाना है उसके लिरिक्स सुधा तेजा ने लिखे हुए हैंगली ने उसको गाया हुआ है डेट नाइट करके गाने को लोरोला रेड्डी ने लिखा हुआ है रंजीत कोविंद और समीरा भारद्वाज के पास गवाया हुआ है ये जिंदगी वाला गाना है उसको कृष्णकांत ने लिखा हुआ है राम मीरियाला ने उसको गाया हुआ है श्रीमणि अनंत श्री राम ने नूवेना धैर्य करके गाना लिखा हुआ था उसको गाया हुआ था कार्तिक ने वहीं पे व्यस्ने ओ नीचे ने करके जो गाना है उसको श्रीमणि ने लिखा हुआ है कपिल कपिलान और समीरा फाजवा ने उसको गाया हुआ है इसके अलावा ओका ने ओका रानी करके जो गाना है वो कृष्णा कांत ने लिखा हुआ था सिंगर थे देवी श्री प्रसाद जो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर भी है ओक्कर ओक्का रानी कर के जो गाना है उसका रॉक वर्जन था उसको लिखा हुआ है कृष्णा कांत ने और यासिन निज़ार ने गाया हुआ है राजनम चता मनु रिमेक्स वर्जन है उसको क्रिएट किया हुआ है गद्दार ने वहीं पर उसको वो गाया हुआ है दीपू ने तो ये टोटल दस गाने जिसकी लेंथ थे तीस मिनट अट्ठारह सेकंड और ये सभी गाने फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे तेलुगु वर्जन में अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर आकाश यानी कि आशीष वो रोल प्ले करे जो एक केयर फ्री इंजीनियर कॉलेज स्टूडेंट है जिसको एक मेडिको नाम की लड़की मेडिकल लड़की जहाँ पे काव्या वो नाम है उसका वो रोल प्ले करे अनुपमा परमेश्वरन उससे प्यार हो जाता है कुछ समय के बाद काव्या भी आकाश को पसंद करने लगती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली राइवलरी है आकाश के कॉलेज की कुछ प्रॉब्लम थी उसकी लव स्टोरी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कुछ राइवलरी की वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट अब चॉइस ना बचने की वजह से आकाश और काव्या क्रुशल डिसीजन पे आ जाते हैं अपनी जिंदगी की अब वो आगे क्या करेंगे क्या काव्या डॉक्टर की वी से बनने की तो बन पाएगी इसके अलावा आकाश के प्यार उसको मिल पाएगा क्या वो अपना लव आकाश जीत पाएगा तो वही सब सवालों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है दिल जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उनका नेफ्यू है आशीष रेड्डी जिन्होंने इस फिल्म के साथ डेब्यू किया हुआ है फिल्म का टाइटल रावड़ी बॉयज था वो किरदार भी कुछ उसी टाइप का लिखा हुआ था जहाँ पे वो डिसेंट नज़र आ रहे उनकी परफॉर्मेंस एज एक्टर के तौर पे इस्टेब्लिश होती हुई नज़र आ रही डांसिंग स्किल भी नजर आ रही ओवरऑल दूसरे जो एक्टर्स है उन्होंने भी, भी जस्टिफाई किया हुआ है अनुपमा परमेश्वरन काफ़ी गोर्जस नजर आ रही है उनको आप जरूर पसंद करोगे उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है लीड पैर के बीच में जो परफॉर्मेंसेज देखने को मिलती है उनके बीच की जो केमिस्ट्री है वो अच्छी नज़र आएगी कॉमेडी जिस तरह से क्रिएट की गई है साइड किस के द्वारा तो वो सभी चीजें बढ़िया है सॉन्ग्स फिल्म के कुछ अच्छे थे वहीं पे विजुअल्स भी उसके काफी बढ़िया नजर आते हैं इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ है विजुअल्स काफ़ी रिच नज़र आते जो फिल्म को सपोर्ट कर रहे थे हाँ इस फिल्म की कहानी में उतना कुछ नयापन नहीं था जहाँ पे चीजें उतनी कुछ अलग वे में दिख सकती थी वही इस टाइप के कई सारे सालों से कई सारी मूवीज आ रही है अनुपमा दिखने में काफी बढ़िया नजर आ रही थी जहां पे वो अपनी एक्टिंग एबिलिटी को प्रूव कर सके उस कदर का उसका किरदार नहीं लिखा गया था लेकिन अगर उसको तो कुछ डाल दें तो, तो और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा फिल्म तो का फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ जिस तरह से कहानी को दिखाया हुआ है पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल रूटीन नजर आता है कॉमेडी ट्रेक थोड़ा ओवर दी टॉप नजर आता है तो वो फिल्म का माइनस पॉइंट कह सकते हैं प्रोडक्शन वेली फिल्म की काफ़ी बढ़िया है जिस तरह से विजुअल्स देखने को मिलते हैं सिनेमेटोग्राफी सभी चीजें बढ़िया नजर आती है सभी लोकेशन को बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है ब्यूटीफुल मैनर में शोकेस किया हुआ है गाने बीजेम सभी अच्छे वहीं पे देवी श्री प्रसाद ने जिस तरह से बीजेम क्रिएट किया हुआ है वो फिल्म को सपोर्ट दे रहा था एडिटिंग फिल्म की डिसेंट है वहीं पे डायरेक्टर हर कौन होगा 3 इस फिल्म के साथ ओके काम किया हुआ है प्लॉट उतना कुछ नया नहीं था शोकेस किया हुआ था अगर उसको स्क्रीन प्ले में थोड़ा बेटर में में डालते थोड़ा अच्छा होता इसके अलावा उन्होंने डेबिडेंट एक्टर को अच्छी तरह से फिल्म में हैंडल किया हुआ था ओवरऑल राउडी बॉयज एक कोले ड्रामा फिल्म है जहां पे नोट होते कुछ खास ट्विस्ट और टर्नस देखने को नहीं मिलती है लेकिन आशीष रेड्डी का डिसेंट डेब्यू देखने को मिलता है फिल्म का फर्स्ट हाफ अच्छा है सेकेंड हाफ थोड़ा डल है स्ट्रॉग स्टोरी होती तो चीज़ें बेहतर होती तो एक दो चीज़ें जिसको इग्नोर करोगे तो फिल्म वन टाइम वॉचेबल तो ज़रूर लगेगी तो इस फिल्म को अगर आप थोड़ा ये इग्नोर करोगे तो देख सकते हो राउडी बॉयज फिल्म को 14 जनवरी 2022 को थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था आईएमडी पे करीबन 800 से हज़ार वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला और ठीक इसी तरह बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस हासिल किया था जहाँ पे ये फिल्म आरआरआर आर आर और राधे श्याम के साथ क्लेश होने वाली थी लेकिन बाद में चीज़ों को चेंज करते हुए इस फिल्म की रिलीज डेट को चेंज किया गया जहाँ पे फिल्म जिस तरह से रिलीज हुई जिस मौके पे तो उस टाइप की उस टाइम पे इस फिल्म ने डिसेंट वे में कलेक्शन कर लिया था इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट सेटेलाइट राइट्स के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते हैं जहाँ पे राउडी बॉयज के जो ओटीटी और सेटेलाइट राइट्स से है वो जी नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए तो तेलुगु वर्जन के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए तो राउडी बॉयज को उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर फिलहाल में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे हिंदी डब वर्जन के राइट्स है वो आदित्य नेटवर्क के पास है यानी कि आदित्य मूवीज़ के पास है जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग तो कम्प्लीट करवाई है लेकिन अभी तक फिल्म को अवेलेबल नहीं किया हुआ है अब हम बात करें किस तरह से इस फिल्म को देख सकते हो उसके ऊपर तो राउडी बॉयज़ फिल्म को फिलहाल में आप तेलगू वर्ज़न में जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्स राउडी बॉयज़ नाम के साथ वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसके राइट्स आदित्य मूवीज़ के पास है अब वो इस फिल्म को जब कभी भी से आ, का रिलीज़ करवाएंगे तो पहले इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर होगा उसके बाद उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को राउडी बॉयज़ नाम के साथ आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकोगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि राउडी बॉयज़ फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर सकोगे तेलुगु वर्जन में जी फाइव ऐप के ऊपर जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पे इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको जी तेलगू के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पर रावडी बॉयज़ का जो हिंदी डब वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा आदित्य मूवीज़ के द्वारा वो वो पहले टेलीविजन पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे उसके बाद उनकी यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म का आप ऑफिशियली इंजॉय कर सकोगे तो इस तरह से रावडी बॉयज़ फिल्म को आप तेलुगु और हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो रावड़ी बॉयज़ जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज कमिंग ऑफ एज रोमेंटिकॉरिज ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है श्री हर्षा कोनुगत्ती ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दिल राजू और सीरीज ने जिन्होंने श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी आर मधी ने किए हुए एडिटिंग मधु ने किए हुए इसको एक सौ पैंतालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है उन्होंने तो ये फिल्म एक दो घंटे और पच्चीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए इस फिल्म में टोटल दस गाने सभी वर्जन मिला ले तो जहां पे सभी गानों को ऑफिशियली आप आदित्य म्यूजिक के ऊपर सुन सकते हो वहीं पे एक ट्रैक है उसको लहरी म्यूजिक के ऊपर ऑफिशियली सुन सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी थी श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है तो ये उनकी ही रिलीज थी जहां पे इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करे तो आशीष टाइटल रोल प्ले सॉरी इस फिल्म का लीड रोल प्ले करे अक्षय का जिनकी डेब्यू फिल्म में उनके अपोजिट अनुपमा परमेश्वरन को कास्ट की गई है जो काव्या का रोल प्ले करी है कार्तिक रत्नम साहिदेव विक्रम तेज कुरुपाती इस फिल्म में सपोर्टिंग में देखने को मिलेंगे उनके साथ राजा रवि प्रणीता रेड डिकल लेम और पृथ्वी भी देखने को मिलेंगे कोमली प्रसाद इस फिल्म में सुरती का रोल प्ले कर रहे हैं जो काव्या की फ्रेंड है श्रीकांत अयंगर को अक्सय के फादर का रोल दिया गया था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो मार्च दो में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि इस फिल्म में अनुपमा परमेश्वर लीड रो में होने वाली है राहुल रामाकृष्णन को भी इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया था लेकिन उनका एक बिजी शेड्यूल था आर आर फिल्म के साथ जिस वजह से वो इस फिल्म के साथ नहीं जुड़ पाए थे बाद में राजा रवि को उस रोल के लिए कास्ट किया गया था और उसके बाद में इस तरह से पूरी तरह से फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी बाद में जनवरी 2020 को इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ़ फ़ोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था करीबन छः सात महीने की इस फिल्म की सॉरी करीबन ये फिल्म की पाँच छः महीने की शूटिंग होने वाली थी और अलग अलग शेड्यूल के तहत लेकिन कोविड की वजह से शूटिंग रोकनी पड़ी और उसके बाद में जो कोविड के प्रोटोकॉल थे उसको फॉलो करते हुए रेपअप किया गया था तेरह अक्टूबर दो को तो ये इस तरह से इस फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया गया था जहाँ पे आखिर में डेट नाइट करके जो गाना था वो कंपोज करा था जानी मास्टर ने कोरियोग्राफ किया था वो गाने की शूटिंग के साथ फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था तो उसके बाद में इस फिल्म की मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था पे साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए फिल्म में टोटल अलग अलग वर्जन मिला ले तो दस गाने जहां पे पहला गाना है राउडी बॉयज टाइटल सॉन्ग जिसके लिरिक्स रोला रीडा ने लिखे हुए और रोल रीडाई उसके सिंगर है प्रेमा आकाशम थे जो गाना है उसके लिरिक्स श्री मनी ने लिखे हुए थे सिंगर जसप्रीत से वृंदावनम वाला गाना है उसके लिरिक्स सुधा अशोक तेजा ने लिखे हुए मंगिली ने उसको गाया हुआ है डेट नाइट करके गाने को लोरोला रेडी ने लिखा हुआ है रंजित कोविंद और समीरा भारद्वाज के पास गवाया हुआ है ये जिंदगी वाला गाना है उसको कृष्णाकांत ने लिखा हुआ है राम मिर्याला ने उसको गाया हुआ है श्रीमणि अनंत श्री राम ने नुवेना धैर्यम करके गाना लिखा हुआ था उसको गाया हुआ था कार्तिक ने वहीं पर ने और नीचे ने करके जो गाना है उसको श्रीमणि ने लिखा हुआ है कपिल कपिलान और समीरा भादवा ने उसको गाया हुआ है इसके अलावा ओका ने ओका रानी कर जो गाना है वो कृष्णा कांत ने लिखा हुआ था सिंगर थे देवी श्री प्रसाद जो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर भी है ओक्कर ओक्का रानी करके जो गाना है उसका रॉक वर्जन था उसको लिखा हुआ है कृष्णा कांत ने और यासिन निज़ार ने गाया हुआ है राजनम चमु रिमेक्स वर्जन है उसको क्रिएट किया हुआ है गद्दार ने वहीं पर उसको वो गाया हुआ है दीपू ने तो ये टोटल दस गाने जिसकी लेंथ है तीस मिनट सेकंड और सभी गाने फिलहाल में वीडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे तेलुगु वर्जन में अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर आकाश यानी कि आशीष वो रोल प्ले करे जो एक केयर फ्री इंजीनियर कॉलेज स्टूडेंट है जिसको एक मेडिको नाम की लड़के मेडिकल लड़की जहाँ पे काव्या वो नाम है उसका वो रोल प्ले करे अनुपमा परमेश्वर उससे प्यार हो जाता है कुछ समय के बाद काव्या भी आकाश को पसंद करने लगती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली राइवलरी है आकाश की कॉलेज की कुछ प्रॉब्लम थी उसकी लव स्टोरी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कुछ राइवलरी की वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है अब चॉइस ना बचने की वजह से आकाश और काव्या क्रूसल डिसीजन पे आ जाती है अपनी जिंदगी की क्या वो आगे क्या करेंगे, क्या करेंगे काव्या डॉक्टर की वी से बनने की तो वो बन पाएगी इसके अलावा आकाश के प्यार उसको मिल पाएगा क्या वो अपना लव आकाश जीत पाएगा तो वही सब सवालों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है दिलराज जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उनका नेफ्यू है आशीष रेड्डी जिन्होंने इस फिल्म के साथ डेब्यू किया हुआ है फिल्म का टाइटल राउडी बॉयज था वो किरदार भी कुछ उसी टाइप का लिखा हुआ था जहाँ पे वो डिसेंट नज़र आ रहे उनकी परफॉर्मेंस एज एक्टर के तौर पे इस्टेब्लिश होती हुई नज़र आ रही डांसिंग स्किल भी नजर आ रही ओवरऑल दूसरे जो एक्टर्स है उन्होंने भी भी जस्टिफाई किया हुआ है अनुपमा परमेश्वरन काफ़ी गोर्ज नज़र आ रही है उनको आप ज़रूर पसंद करोगे उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है लीड पैर के बीच में जो परफॉर्मेंसेज देखने को मिलती है उनके बीच की जो केमिस्ट्री है वो अच्छी नज़र आएगी कॉमेडी जिस तरह से क्रिएट की गई है साइड किस के

तो वो सभी चीज़ें बढ़िया है सॉन्ग्स फिल्म के कुछ अच्छे थे वहीं पे विजुअल्स भी उसके काफ़ी बढ़िया नज़र आते हैं इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ है विजुअल्स काफ़ी रिच नज़र आते जो फिल्म को सपोर्ट कर रहे थे हाँ इस फिल्म की कहानी में उतना कुछ नयापन नहीं था जहाँ पर चीज़ें उतनी कुछ अलग वे में दिख सकती थी वही इस टाइप के कई सारे सालों से कई सारी मूवीज आ रही है अनुपमा दिखने में काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी जहाँ पे वो अपनी एक्टिंग एबिलिटी को प्रूव कर सके उस कदर का उसका किरदार नहीं लिखा गया था लेकिन अगर कुछ तो डाल सके तो और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा का तो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ जिस तरह से कहानी को दिखाया हुआ है पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल रूटीन नजर आता है कॉमेडी ट्रैक थोड़ा ओवर दी टॉप नजर आता है तो वो फिल्म का माइनस पॉइंट कह सकते हैं प्रोडक्शन वैली फिल्म की काफ़ी बढ़िया है जिस तरह से विजुअल्स देखने को मिलते हैं सिनेमेटोग्राफी सभी चीज़ें बढ़िया नजर आती है सभी लोकेशंस को बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है ब्यूटीफुल मैनर में शोकेस किया हुआ है गाने बी सभी अच्छे है वहीं पर देवी श्री प्रसाद ने जिस तरह से बीजेम क्रिएट किया हुआ है वो फिल्म को सपोर्ट दे रहा था एडिटिंग फिल्म की डिसेंट है वहीं पे डायरेक्टर हर्षा कौन होगा 3 इस फिल्म के साथ ओके काम किया हुआ है प्लॉट उतना कुछ नया नहीं था शोकेस किया हुआ था अगर उसको स्क्रीन प्ले में थोड़ा बेटर वे में डालते थोड़ा अच्छा होता इसके अलावा उन्होंने डेबिडेंट एक्टर को अच्छी तरह से फिल्म में हैंडल किया हुआ था ओवरऑल रौडी बॉयज एक कोले ड्रामा फिल्म है जहां पे नोट वो कुछ खास ट्विस्ट तो और टर्न देखने को नहीं मिलती है लेकिन आशीष रेड्डी का एडिसिन डेब्यू देखने को मिलता है फिल्म का फर्स्ट हाफ अच्छा है सेकंड हाफ थोड़ा डल है स्ट्रॉन्ग स्टोरी होती तो चीज़ें बेहतर होती तो एक दो चीज़ें जिसको इग्नोर करोगे तो फिल्म वन टाइम वॉचेबल तो जरूर लगेगी तो इस फिल्म को अगर आप थोड़ा ये इग्नोर करोगे तो देख सकते हो राउडी बॉयज फिल्म को 14 जनवरी 2022 को थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था आईएमडी पे करीबन 800 से हज़ार वोट मिले हुए हैं जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला और ठीक इसी तरह बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स हासिल किया था जहाँ पे ये फिल्म आर 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 और राधे श्याम के साथ क्लेस होने वाली थी लेकिन बाद में चीज़ों को चेंज करते हुए इस फिल्म की रिलीज डेट को चेंज किया गया जहाँ पे फिल्म जिस तरह से रिलीज़ हुई थी जिस मौके पे तो उस टाइप की उस टाइम पे इस फिल्म ने डिसेंट वे में कलेक्शन कर लिया था इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते हैं जहाँ पे रावड़ी बॉयज़ के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो जी नेटवर्क वालों ने ख़रीदे हुए तो तेलुगु वर्जन के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए तो, तो रावड़ी बॉयज़ को उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर फिलहाल में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे हिंदी डब वर्जन के राइट्स है वो आदित्य नेटवर्क के पास है यानी कि आदित्य मूवीज़ के पास है जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग तो कम्प्लीट करवाई है लेकिन अभी तक फिल्म को अवेलेबल नहीं किया हुआ है अब हम बात करें किस तरह से इस फिल्म को देख सकते हो उसके ऊपर तो राउडी बॉयज़ फिल्म को फ़िलहाल में आप तेलुगु वर्जन में जी फाइव ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन रावडी बॉयज़ नाम के साथ वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसके राइट्स आदित्य मूवीज़ के पास है अब वो इस फिल्म को जब कभी भी का रिलीज़ करवाएंगे तो पहले इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर होगा उसके बाद उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को रावडी बॉयज नाम के साथ आप ऑफिशियली कर सकोगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ वर्जन में जी फाइव के ऊपर के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको जी तेलुगू के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पे रावड़ी बॉयज का जो हिंदी डब वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा आदित्य मूवीज़ के द्वारा वो वो पहले टेलीविजन पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे उसके बाद उनकी यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म का आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकोगे तो इस तरह से राउडी बॉय फिल्म को आप तेलुगु और हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो रावडी बॉयज़ जो दो की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज कमिंग ऑफ एज रोमेंटिकॉरिज ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ श्री हर्षा कोनुगत्ती ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दिल राजू और सीरीज ने जिन्होंने श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी आर मधी ने किए हुए एडिटिंग मधु ने किए हुए इस इसको एक सौ पैंतालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है उन्होंने तो ये फिल्म एक दो घंटे और पच्चीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए इस फिल्म में टोटल दस गाने सभी वर्जन मिला ले तो जहाँ पे सभी गानों को ऑफिशियली आप आदित्य म्यूजिक के ऊपर सुन सकते हो वहीं पे एक ट्रैक है उसको लहरी म्यूजिक के ऊपर ऑफिशियली सुन सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी थी श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है तो ये उनकी ही रिलीज थी जहाँ पे इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो आशीष टाइटल रोल प्ले सॉरी इस फिल्म का लीड रोल प्ले कर रहे अक्षय का जिनकी डेब्यू फिल्म है उनके अपोजिट अनुपमा परमेश्वरन को कास्ट की गई है जो काव्या का रोल प्ले कर कार्तिक रत्नम सहदेव विक्रम तेज कुरपाती इस फिल्म में सपोर्टिंग में देखने को मिलेंगे उनके साथ राजा रवि प्रणीता रेड डिकल लेम और पृथ्वी भी देखने को मिलेंगे कोमली प्रसाद इस फिल्म में सुरती का रोल प्ले कर रहे हैं जो काव्या की फ्रेंड है श्रीकांत अयंगर को अक्सय के फादर का रोल दिया गया था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो मार्च 2020 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि इस फिल्म में अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में होने वाली है राहुल रामाकृष्णन को भी इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया था लेकिन उनका एक बिजी शेड्यूल था आर फिल्म के साथ जिस वजह से वो इस फिल्म के साथ नहीं जुड़ पाए थे बाद में रवि को उस रोल के लिए कास्ट किया गया था और उसके बाद में इस तरह से पूरी तरह से से पूरी फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी बाद में जनवरी 2020 को इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था करीबन छह सात महीने की इस फिल्म की सॉरी करीबन ये फिल्म की पांच छह महीने की शूटिंग होने वाली थी और अलग अलग शेड्यूल के तहत लेकिन कोविड की वजह से शूटिंग रोकनी पड़ी और उसके बाद में जो कोविड के प्रोटोकॉल थे को फॉलो करते हुए अप किया गया था तेरह अक्टूबर दो को तो ये इस तरह से इस फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया गया था जहां पे आखिर में डेट नाइट करके जो गाना था वो कंपोज कर रहा था मास्टर ने कोरियोग्राफ किया था वो गाने की शूटिंग के साथ फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था तो उसके बाद में इस फिल्म की मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग इन सभी चीजों के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए फिल्म में टोटल अलग अलग वर्जन मिला तो दस गाने जहां पे पहला गाना है राउडी बॉयज टाइटल सॉन्ग जिसके लिरिक्स रोला रीडा ने लिखे हुए और रोल ही उसके सिंगर है। प्रेमा समय थे मंगली ने उसको गाया हुआ है डेट नाइट करके गाने को रो रोला रेडी ने लिखा हुआ है रंजीत कोविंद और समीरा भारद्वाज के पास गवाया हुआ है ये जिंदगी वाला गाना है उसको कृष्णकांत ने लिखा हुआ है राम मीरियाला ने उसको गाया गया हुआ है श्रीमणि अनंत श्री राम ने करके गाना लिखा हुआ था उसको गाया हुआ था कार्तिक ने वहीं पे ने वो नीचे ने करके जो गाना है उसको श्रीमणि ने लिखा हुआ है कपिल कपिलान और समीरा भादवा ने उसको गाया हुआ है इसके अलावा ओका ने ओका रानी करके जो गाना है वो कृष्णकांत ने लिखा हुआ था सिंगर थे देवी श्री प्रसाद जो फिल्म के म्यूज़िक uh, डायरेक्टर भी ओखा की ओकरा ओखा रानी करके जो गाना है उसका रोक वर्जन था उसको लिखा हुआ है कृष्णा कांत ने और यासिन निज़ार ने गाया हुआ है राजनम चत्तमनु ए, रिमेक्स वर्जन है उसको क्रिएट किया हुआ है गद्दार ने वहीं पे उसको गाया हुआ है दीपू ने तो ये टोटल दस गाने जिसकी लेंथ तीस मिनट अट्ठारह सेकंड और ये सभी गाने फिलहाल में वीडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली आदित्य थे म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे तेलुगु वर्जन में अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर आकाश यानी कि आशीष वो रोल प्ले करे जो एक केयर फ्री इंजीनियर कॉलेज स्टूडेंट है जिसको एक अ, मेडिको नाम की लड़की अ, मेडिकल लड़की जहाँ पे काव्या वो नाम है उसका वो रोल प्ले करे अनुपमा परमेश्वरन उससे प्यार हो जाता है कुछ समय के बाद काव्या भी आकाश को पसंद करने लगती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली राइवलरी है आकाश की कॉलेज की कुछ प्रॉब्लम थी उसकी लव स्टोरी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कुछ राइवलरी की वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट

वो किरदार भी कुछ उसी टाइप का लिखा हुआ था जहाँ पे वो डिसेंट नज़र आ रहे उनकी परफॉर्मेंस एज एक्टर के तौर पे इस्टेब्लिश होती हुई नज़र आ रही डांसिंग स्किल भी नज़र आ रही ओवरऑल दूसरे जो एक्टर्स है उन्होंने भी, भी जस्टिफाई किया हुआ है अनुपमा परमेश्वरन काफ़ी गोर्ज नज़र आ रही है उनको आप ज़रूर पसंद करोगे उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है लीड पर के बीच में जो परफॉर्मेंसेज देखने को मिलती है उनके बीच की जो केमिस्ट्री है वो अच्छी नज़र आएगी कॉमेडी जिस तरह से क्रिएट किए गए साइड किस के द्वारा तो वो सभी चीज़ें बढ़िया है सॉन्ग्स फिल्म के कुछ अच्छे थे वहीं पे विजुअल्स भी उसके काफ़ी बढ़िया नज़र आते हैं इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ है विजुअल्स काफ़ी रिच नज़र आते हैं जो फिल्म को सपोर्ट कर रहे थे हाँ इस फिल्म की कहानी में उतना कुछ नयापन नहीं था जहाँ पर चीज़ें उतनी कुछ अलग वे में दिख सकती थी वही इस टाइप की कई सारे सालों से कई सारी मूवीज आ रही है अनुपमा दिखने में काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी जहाँ पे वो अपनी एक्टिंग एबिलिटी को प्रूव कर सके उस कदर का उसका किरदार नहीं लिखा गया था लेकिन अगर तो डाल डालते तो, तो और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा फिल्म तो का फर्स्ट आप सेकंड हाफ जिस तरह से कहानी को दिखाया हुआ है पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल रूटीन नज़र आता है कॉमेडी ट्रैक थोड़ा ओवर दी टॉप नज़र आता है तो वो फिल्म का माइनस पॉइंट कह सकते हैं प्रोडक्शन वाली फिल्म की काफ़ी बढ़िया है जिस तरह से विजुअल्स देखने को मिलते हैं सिनेमेटोग्राफी सभी चीज़ें बढ़िया नज़र आती है सभी लोकेशंस को बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है ब्यूटीफुल मैनर में शोकेस किया हुआ है गाने बी जी एम सभी अच्छे है वहीं पर देवी श्री प्रसाद ने जिस तरह से बी जी एम क्रिएट किया हुआ है वो फिल्म को सपोर्ट दे रहा था एडिटिंग फिल्म की डिसेंट है वहीं पर डायरेक्टर हर्षक को अनुगति ने इस फिल्म के साथ ओके काम किया हुआ है प्लॉट <coughs> उतना कुछ नया नहीं था शोकेस किया हुआ था अगर उसको स्क्रीन प्ले में थोड़ा बेटर वे में डालते थोड़ा अच्छा होता इसके अलावा उन्होंने डेबिडेंट एक्टर को अच्छी तरह से फिल्म में हैंडल किया हुआ था ओवरऑल राउडी बॉयज एक कोले ड्रामा फिल्म है जहाँ पे नोट उतने कुछ खास तो इस्टो टर्नस देखने को नहीं मिलती है लेकिन आशीष रेड्डी का एडिसिन डेब्यू देखने को मिलता है फिल्म का फर्स्ट हाफ अच्छा है सेकंड हाफ थोड़ा डल है स्ट्रॉग स्टोरी होती तो चीज़ें बेहतर होती तो एक दो चीज़ें जिसको इग्नोर करोगे तो फिल्म वन टाइम वॉचेबल तो ज़रूर लगेगी तो इस फिल्म को अगर आप थोड़ा ये इग्नोर करोगे तो देख सकते हो राउडी बॉयज़ फिल्म को चौदह जनवरी दो को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था आई पे करीबन 800 से हज़ार वोट मिले हुए हैं जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला गा गा गा, और ठीक इसी तरह बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स हासिल किया था जहाँ पे ये फिल्म आर आर, आर और राधे श्याम के साथ क्लेस होने वाली थी लेकिन बाद में चीज़ों को चेंज करते हुए इस फिल्म की रिलीज डेट को चेंज किया गया जहाँ पे फिल्म जिस तरह से रिलीज़ हुई जिस मौके पे तो उस टाइप की उस टाइम पे इस फिल्म ने डिसेंट वे में कलेक्शन कर लिया था इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते हैं जहाँ पे रावड़ी बॉयज़ के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो जी नेटवर्क वालों ने ख़रीदे हुए तो तेलुगु वर्जन के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए तो, तो रावड़ी बॉयज़ को उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर फ़िलहाल में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पर हिंदी डब वर्जन के राइट्स है वो आदित्य नेटवर्क के पास है यानी कि आदित्य मूवीज़ के पास है जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग तो कम्प्लीट करवाई है लेकिन अभी तक फिल्म को अवेलेबल नहीं किया हुआ है अब हम बात करें किस तरह से इस फिल्म को देख सकते हो उसके ऊपर तो रावड़ी बॉयज़ फिल्म को फिलहाल में आप तेलुगु वर्जन में जी फाइव ओ टी के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन रावड़ी बॉयज नाम के साथ वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसके राइट्स का आदित्य मूवीज़ के पास है अब वो इस फिल्म को जब कभी भी का रिलीज़ करवाएंगे तो पहले इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर होगा उसके बाद उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को रावड़ी बॉयज नाम के साथ आप ऑफिशियली एंजॉय कर सकोगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि राउडी बॉयज फिल्म का आप ऑफिशियली एंजॉय कर सकोगे तेलगु वर्जन में जी ऐप के ऊपर जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पर इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको जी तेलुगु के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पर रावड़ी बॉयज का जो हिंदी डब वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा आदित्य मूवीज़ के द्वारा वो वो पहले टेलीविजन पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे उसके बाद उनकी यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म का आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकोगे तो इस तरह से राउडी बॉयज फिल्म को आप तेलुगु और हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो राउडी बॉयजो दो हजार की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज कमिंग ऑफ एज रोमेंटिकॉर एज ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ श्री हर्षा कोनुगत्ती ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दिल राजू और सीरीज ने जिन्होंने श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी आर मधी ने किए हुए एडिटिंग मधु ने किए हुए इसको एक सौ पैंतालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है उन्होंने तो ये फिल्म एक दो घंटे और पच्चीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए इस फिल्म में टोटल दस गाने सभी वर्जन मिला ले तो जहां पे सभी गानों को ऑफिशियली आप आदित्य म्यूजिक के ऊपर सुन सकते हो वहीं पे एक ट्रैक है उसको लहरी म्यूजिक के ऊपर ऑफिशियली सुन सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी थी श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है तो ये उनकी ही रिलीज थी जहां पे इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करे तो आशीष टाइटल रोल प्ले सॉरी इस फिल्म का लीड रोल प्ले कर करे अक्षय का जिनकी डेब्यू फिल्म है उनके अपोजिट अनुपमा परमेश्वरन को कास्ट की गई है जो काव्या का रोल प्ले कर कार्तिक रत्नम सहदेव विक्रम तेज कुरुपाती इस फिल्म में सपोर्टिंग में देखने को मिलेंगे उनके साथ राजा रवि प्रणीता रेड्डी कल्लेम और पृथ्वी भी देखने को मिलेंगे कोमली प्रसाद इस फिल्म में श्रुति का रोल प्ले कर करे जो काव्या की फ्रेंड है श्रीकांत अयंगर को अक्सय के फादर का रोल दिया गया था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो मार्च 2020 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि इस फिल्म में अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में होने वाली है राहुल रामाकृष्णन को भी इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया था लेकिन उनका एक बिजी शेड्यूल था आरआर फिल्म के साथ जिस वजह से वो इस फिल्म के साथ नहीं जुड़ पाए थे बाद में राजा रवि को उस रोल के लिए कास्ट किया गया था और उसके बाद में इस तरह से पूरी तरह से फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी बाद में जनवरी 2020 को इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था करीबन छः सात महीने की इस फिल्म की सॉरी करीबन ये फिल्म की पाँच छः महीने की शूटिंग होने वाली थी और अलग अलग शेड्यूल के तहत लेकिन कोविड की वजह से शूटिंग रोकनी पड़ी और उसके बाद में जो कोविड के प्रोटोकॉल थे उसको फॉलो करते हुए रेपअप किया गया था तेरह अक्टूबर दो को तो ये इस तरह से इस फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया गया था जहाँ पे आखिर में डेट नाइट करके जो गाना था वो कंपोज करा था जानी मास्टर ने कोरियोग्राफ किया था वो गाने की शूटिंग के साथ फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था तो उसके बाद में इस फिल्म की मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग इन सभी चीजों के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे ट्रैक के ऊपर बातचीत करे तो देवी प्रसाद ने बैकग्राउंड और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं फिल्म में टोटल अलग अलग वर्जन मिला ले तो दस गाने हैं जहाँ पे पहला गाना है राउडी बॉयज टाइटल सॉन्ग जिसके लिरिक्स रोला रीडा ने लिखे हुए है और रोल रीडा ही उसके सिंगर है प्रेमा आकाशम थे जो गाना है उसके लिरिक्स श्री मनी ने लिखे हुए थे सिंगर जसप्रीत जैसे वृंदावनम वाला गाना है उसके लिरिक्स सुदाला अशोक तेजा ने लिखे हुए है मंगिली ने उसको गाया हुआ है डेट नाइट करके गाने को रो रोला रेडी ने लिखा हुआ है रंजीत कोविंद और समीरा भारद्वाज के गाया हुआ है ये जिंदगी वाला गाना है उसको कृष्णाकांत ने लिखा हुआ है राम मीरियाला ने उसको गाया हुआ है श्रीमणि अनंत श्री राम ने नुवेना धैर्यम करके गाना लिखा हुआ था उसको गाया हुआ था कार्तिक ने वहीं पे वेश ने और नीचे ने करके जो गाना है उसको श्रीमणि ने लिखा हुआ है कपिल कपिलान और समीरा भादवा ने उसको गाया हुआ है इसके अलावा ओका ने ओका रानी करके जो गाना है वो कृष्णा कांत ने लिखा हुआ था सिंगर थे देवी श्री प्रसाद जो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर भी है ओक्का रे की ओका रानी करके जो गाना है उसका रॉक वर्जन था उसको लिखा हुआ है कृष्णा कांत ने और यासिन निजार ने गाया हुआ है राजनम नम चमनु रिमैक्स वर्जन है उसको क्रिएट किया हुआ गद्दार ने वहीं पर उसको वो गाया हुआ है दीपू ने तो ये टोटल दस गाने जिसकी लेंथ है तीस मिनट अट्ठारह सेकंड और ये सभी गाने फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे तेलुगु वर्जन में अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर आकाश यानी कि आशीष वो रोल प्ले करे जो एक केयर फ्री इंजीनियर कॉलेज स्टूडेंट है जिसको एक मेडिको नाम की लड़के मेडिकल लड़की जहाँ पे काव्या वो नाम है उसका वो रोल प्ले करे अनुपमा परमेश्वरन उससे प्यार हो जाता है कुछ समय के बाद काव्या भी आकाश को पसंद करने लगती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली राइवलरी है आकाश के कॉलेज की कुछ प्रॉब्लम थी उसकी लव स्टोरी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कुछ राइवलरी की वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट अब चॉइस ना बचने की वजह से आकाश और काव्या क्रूसल डिसीजन पे आ जाते हैं अपनी जिंदगी की कि क्या वो आगे क्या, क्या करेंगे क्या काव्या डॉक्टर की वी से बनने की तो बन पाएगी इसके अलावा आकाश के प्यार उसको मिल पाएगा क्या वो अपना लव आकाश जीत पाएगा तो वही सब सवालों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है दिलराजू जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उनका नेफ्यू है आशीष रेड्डी जिन्होंने इस फिल्म के साथ डेब्यू किया हुआ है फिल्म का टाइटल रावड़ी बॉयज था वो किरदार भी कुछ उसी टाइप का लिखा हुआ था जहाँ पे वो डिसेंट नजर आ रहे उनकी परफॉर्मेंस एज एक्टर के तौर पे इस्टेब्लिश होती हुई नज़र आ रही डांसिंग स्किल भी नज़र आ रही ओवरऑल दूसरे जो एक्टर्स है उन्होंने भी, भी जस्टिफाई किया हुआ है अनुपमा परमेश्वरन काफ़ी गोर्ज नजर आ रही है उनको आप जरूर पसंद करोगे उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है लीड पैर के बीच में जो परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है उनके बीच की जो केमिस्ट्री है वो अच्छी नज़र आएगी कॉमेडी जिस तरह से क्रिएट की गई है साइड किस के द्वारा तो वो सभी चीज़ें बढ़िया है के कुछ अच्छे थे वहीं जो फिल्म को सपोर्ट कर रहे थे हाँ, नयापन नहीं था जहाँ पे चीजें उतनी कुछ अलग वे में दिख सकती थी वही इस टाइप के कई सारे सालों से कई सारी मूवीज आ रही है अनुपमा दिखने में काफी बढ़िया नजर आ रही थी जहाँ पे वो अपनी एक्टिंग एबिलिटी को प्रूव कर सके उस कदर का का किरदार नहीं लिखा गया था लेकिन अगर उसमें कुछ डाल तो तो और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा फिल्म तो का फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ जिस तरह से कहानी को दिखाया हुआ है पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल रूटी रूटीन नज़र आता है कॉमेडी ट्रैक थोड़ा ओवर दी टॉप नज़र आता है तो वो फिल्म का माइनस पॉइंट कह सकते हैं प्रोडक्शन वेली फिल्म की काफ़ी बढ़िया है जिस तरह से विजुअल्स देखने को मिलते हैं सिनेमेटोग्राफी सभी चीज़ें बढ़िया नज़र आती है सभी लोकेशंस को बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है ब्यूटीफुल मैनर में शोकेस किया हुआ है गाने बी सभी अच्छे वहीं पर देवी श्री प्रसाद ने जिस तरह से बी क्रिएट किया हुआ है वो फिल्म को सपोर्ट दे रहा था एडिटिंग फिल्म की डिसेंट है वहीं पर डायरेक्टर हर ने इस फिल्म के साथ ओके काम किया हुआ है प्लॉट <coughs> उतना कुछ नया नहीं था शोकेस किया हुआ था अगर उसको स्क्रीन प्ले में थोड़ा बेटर वे में, में डालते थोड़ा अच्छा होता इसके अलावा उन्होंने डेबिडेंट एक्टर को अच्छी तरह से फिल्म में हैंडल किया हुआ था ओवरऑल राउडी बॉयज एक कोले ड्रामा फिल्म है जहाँ पे नोट उतने कुछ खास ट्विस्ट और टर्न्स देखने को नहीं मिलती है लेकिन आशीष रेड्डी का डिसेंट डेब्यू देखने को मिलता है फिल्म का फर्स्ट हाफ अच्छा है सेकंड हाफ थोड़ा डल है स्ट्रॉन्ग स्टोरी होती तो चीज़ें बेहतर होती तो एक दो चीज़ें जिसको इग्नोर करोगे तो फिल्म वन टाइम वॉचेबल तो जरूर लगेगी तो इस फिल्म को अगर आप थोड़ा ये इग्नोर करोगे तो देख सकते हो राउडी बॉयज फिल्म को 14 जनवरी 2022 को थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था आईएमडी पे करीबन 800 से हज़ार वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला और ठीक इसी तरह बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स हासिल किया था जहां पे फिल्म आरआरआर आर आर और राधे श्याम के साथ क्लेश होने वाली थी लेकिन बाद में चीज़ों को चेंज करते हुए इस फिल्म की रिलीज डेट को चेंज किया गया जहाँ पे फिल्म जिस तरह से रिलीज़ हुई जिस मौके पे तो उस टाइप की उस टाइम पे इस फिल्म ने डिसेंट वे में कलेक्शन कर लिया था इस फिल्म के ओ टी सेटेलाइट राइट्स के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते जहाँ पे राउडी बॉयज़ के जो ओ और सेटेलाइट राइट्स से है वो जी नेटवर्क वालों ने ख़रीदे हुए तो तेलुगु वर्जन के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए तो, तो रावडी बॉयज़ को उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर फ़िलहाल में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे हिंदी डब वर्जन के राइट्स है वो आदित्य नेटवर्क के पास है यानी कि आदित्य मूवीज़ के पास है जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग तो कम्प्लीट करवाई है लेकिन अभी तक फिल्म को अवेलेबल नहीं किया हुआ है अब हम बात करें किस तरह से इस फिल्म को देख सकते हो उसके ऊपर तो रावडी बॉयज़ फिल्म को फिलहाल में आप तेलुगू वर्जन में जी फाइव ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन राउडी बॉयज नाम के साथ वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसके राइट्स आदित्य मूवीज़ के पास है अब वो इस फिल्म को जब कभी भी का रिलीज़ करवाएंगे तो पहले इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर होगा उसके बाद उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को रावडी बॉयज नाम के साथ आप ऑफिशियली एंजॉय कर सकोगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि राउडी बॉयज़ फिल्म का आप ऑफिशियली एंजॉय कर सकोगे तेलुगु वर्जन में जी फाइव के ऊपर जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पर इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको जी तेलुगु के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पर रावडी बॉयज का जो हिंदी डब वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा आदित्य मूवीज के द्वारा वो वो पहले टेलीविजन पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे उसके बाद उनकी यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म का आप ऑफिशियली इंजॉय कर सकोगे तो इस तरह से रावडी बॉयज़ फिल्म को आप तेलुगु और हिंदी वर्जन में इंजॉय कर सकते हो रावडी बॉयज़ जो दो की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज कमिंग ऑफ एज रोमेंटिक और ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है श्री हर्षा कोनुगत्ती ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ दिल राजू और सीरीज ने जिन्होंने श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी आर मधी ने हुए, एडिटिंग मधु ने किए हुए एक एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है उन्होंने तो ये फिल्म एक दो घंटे और पच्चीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए इस फिल्म में टोटल दस गाने सभी वर्जन मिला ले तो जहां पे सभी गानों को ऑफिशियली आप आदित्य म्यूजिक के ऊपर सुन सकते हो वहीं पे एक ट्रैक है उसको लहरी म्यूजिक के ऊपर ऑफिशियली सुन सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी थी श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है तो ये उनकी ही रिलीज थी जहाँ पे इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो आशीष टाइटल रोल प्ले सॉरी इस फिल्म का लीड रोल प्ले करे अक्षय का जिनकी डेब्यू फिल्म है उनके अपोजिट अनुपमा परमेश्वरन को कास्ट की गई है जो काव्या का रोल प्ले करी कार्तिक रत्नम शाहेदेव विक्रम तेज कुरुपाती इस फिल्म में सपोर्टिंग में देखने को मिलेंगे उनके साथ राजा रवि प्रणीता रेड लेम और पृथ्वी भी देखने को मिलेंगे कोमली प्रसाद इस फिल्म में श्रुति का रोल प्ले कर रहे हैं जो काव्या की फ्रेंड है श्रीकांत अयंगर को के फादर का रोल दिया गया था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो मार्च 2020 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि इस फिल्म में अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में होने वाली है राहुल रामाकृष्णन को भी इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया था लेकिन उनका एक बिजी शेड्यूल था आर 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 फिल्म के साथ जिस वजह से वो इस फिल्म के साथ नहीं जुड़ पाए थे बाद में राजा रवि को उस रोल के लिए कास्ट किया गया था और उसके बाद में इस तरह से पूरी तरह से फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी बाद में जनवरी 2020 को इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था करीबन छः सात महीने की इस फिल्म की सॉरी करीबन ये फिल्म की पाँच छः महीने की शूटिंग होने वाली थी और अलग अलग शेड्यूल के तहत लेकिन कोविड की वजह से शूटिंग रोकनी पड़ी और उसके बाद में जो कोविड के प्रोटोकॉल थे उसको फॉलो करते हुए रेपअप किया गया था तेरह अक्टूबर दो को तो ये इस तरह से इस फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया गया था जहाँ पे आखिर में डेट नाइट करके जो था वो कंपोज कराया था जानी मास्टर ने कोरियोग्राफ किया था वो गाने की शूटिंग के साथ फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था तो उसके बाद में इस फिल्म की मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे ट्रैक के ऊपर बातचीत करे तो देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं फिल्म में टोटल अलग अलग वर्जन मिला ले तो दस गाने हैं जहाँ पे पहला गाना है रावड़ी बॉयज टाइटल सॉन्ग जिसके लिरिक्स रोला रीडा ने लिखे हुए है और रोल रेडा ही उसके सिंगर है प्रेमा आकाशम थे जो गाना है उसके लिरिक्स श्री मनी ने लिखे हुए थे सिंगर जसप्रीत जैस वृंदावनम वाला गाना है उसके लिरिक्स सुदाला अशोक तेजा ने लिखे हुए है मंगिली ने उसको गाया हुआ है डेट नाइट करके गाने को रो रोला रेडी ने लिखा हुआ है रंजीत कोविंद और समीरा भारद्वाज के बाद गवाया हुआ है ये जिंदगी वाला गाना है। उसको कृष्णांत ने लिखा हुआ है राम मीरियाला ने उसको गाया हुआ है श्रीमणि अनंत श्री राम ने नुवे गाना लिखा हुआ था उसको गाया हुआ था कार्तिक ने वहीं पे ने वो नीचे ने करके जो गाना है उसको श्रीमणि ने लिखा हुआ है कपिल कपिलान और समीरा भादवा ने उसको गाया हुआ है इसके अलावा ओक्का ने ओका रानी करके जो गाना है वो कृष्णा कांत ने लिखा हुआ था सिंगर थे देवी श्री प्रसाद जो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर भी है ओका री की ओका रानी कर जो गाना है उसका रॉक वर्जन था उसको लिखा हुआ है कृष्णा कांत ने और यासिन निज़ार ने गाया हुआ है राजनम नम चमनु रिमैक्स वर्जन है उसको क्रिएट किया हुआ है गद्दार ने वहीं पे उसको वो गाया हुआ है दीपू ने तो ये टोटल दस गाने जिसकी लेंथ है तीस मिनट अठारह सेकंड और सभी गाने फिलहाल में वीडियो फॉर्मेट में ऑफिशियल आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे तेलुगु वर्जन में अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर आकाश यानी कि आशीष वो रोल प्ले करे जो एक केयर फ्री इंजीनियर कॉलेज स्टूडेंट है जिसको एक अ, मेडिको नाम की लड़की मेडिकल लड़की जहाँ पे काव्या वो नाम है उसका वो रोल प्ले करे अनुपमा परमेश्वरन उससे प्यार हो जाता है कुछ समय के बाद काव्या भी आकाश को पसंद करने लगती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली राइवलरी है आकाश के कॉलेज की कुछ प्रॉब्लम थी उसकी लव स्टोरी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कुछ राइवलरी की वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट अब चोइस ना बचने की वजह से आकाश और काव्या क्रुशल डिसीजन पे आ जाती है अपनी जिंदगी की कि आप वो आगे क्या करेंगे क्या काव्या डॉक्टर की वी से बनने की तो बन पाएगी इसके अलावा आकाश के क्या प्यार उसको मिल पाएगा क्या वो अपना लव आकाश जीत पाएगा तो वही सब सवालों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है दिलराज जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उनका नेफ्यू है आशीष रेड्डी जिन्होंने इस फिल्म के साथ डेब्यू किया हुआ है फिल्म का टाइटल रावड़ी बॉयज था वो किरदार भी कुछ उसी टाइप का लिखा हुआ था जहाँ पे वो डिसेंट नज़र आ रहे उनकी परफॉर्मेंस एज एक्टर के तौर पे इस्टेब्लिश होती हुई नज़र आ रही डांसिंग स्किल भी नजर आ रही ओवरऑल दूसरे जो एक्टर्स है उन्होंने भी भी जस्टिफाई किया हुआ है अनुपमा परमेश्वरन काफ़ी गोर्ज नजर आ रही है उनको आप जरूर पसंद करोगे उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है लीड पैर के बीच में जो परफॉर्मेंसेज देखने को मिलती है उनके बीच की जो केमिस्ट्री है वो अच्छी नज़र आएगी कॉमेडी जिस तरह से क्रिएट की गई है साइड किस के

तो वो सभी चीज़ें बढ़िया है सॉन्ग्स फिल्म के कुछ अच्छे थे वहीं पे विजुअल्स भी उसके काफ़ी बढ़िया नज़र आते हैं इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ है विजुअल्स काफ़ी रिच नज़र आते हैं जो फिल्म को सपोर्ट कर रहे थे हाँ इस फिल्म की कहानी में उतना कुछ नयापन नहीं था जहाँ पर चीज़ें उतनी कुछ अलग वे में दिख सकती थी वही इस टाइप के कई सारे सालों से कई सारी मूवीज़ आ रही है अनुपमा दिखने में काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी जहाँ पे वो अपनी एक्टिंग एबिलिटी को प्रूव कर सके उस कदर का उसका किरदार नहीं लिखा गया था लेकिन अगर कुछ तो डाल सके तो, तो और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा तो का फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ जिस तरह से कहानी को दिखाया हुआ है पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल रूटीन नजर आता है कॉमेडी ट्रैक थोड़ा ओवर दी टॉप नजर आता है तो वो फिल्म का माइनस पॉइंट कह सकते हैं प्रोडक्शन वैली फिल्म की काफ़ी बढ़िया है जिस तरह से विजुअल्स देखने को मिलते हैं सिनेमेटोग्राफी सभी चीज़ें बढ़िया नजर आती है सभी लोकेशंस को बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है ब्यूटीफुल मैनर में शोकेस किया हुआ है गाने बी सभी अच्छे वहीं पर देवी श्री प्रसाद ने जिस तरह से बीजेम क्रिएट किया हुआ है वो फिल्म को सपोर्ट दे रहा था एडिटिंग फिल्म की डिसेंट है वहीं पे डायरेक्टर हर्ष कौन ने इस फिल्म के साथ ओके काम किया हुआ है प्लॉट उतना कुछ नया नहीं था शोकेस किया हुआ था अगर उसको स्क्रीन प्ले में थोड़ा बेटर वे में डालते थोड़ा अच्छा होता इसके अलावा उन्होंने डेबिडेंट एक्टर को अच्छी तरह से फिल्म में हैंडल किया हुआ था ओवरऑल राउडी बॉयज एक कोले ड्रामा फिल्म है जहां पे नोट उतने कुछ खास ट्विस्ट और टर्न्स देखने को नहीं मिलती है लेकिन आशीष रेड्डी का एडिसिन डेब्यू देखने को मिलता है फिल्म का फर्स्ट हाफ अच्छा है सेकंड हाफ थोड़ा डल है स्ट्रॉन्ग स्टोरी होती तो चीज़ें बेहतर होती तो एक दो चीज़ें जिसको इग्नोर करोगे तो फिल्म वन टाइम वॉचेबल तो ज़रूर लगेगी तो इस फिल्म को अगर आप थोड़ा ये इग्नोर करोगे तो देख सकते हो राउडी बॉय फिल्म को 14 जनवरी 2022 को थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था आई पे करीबन 800 से हज़ार वोट मिले हुए जिसमें 5.3 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से तो इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला और ठीक इसी तरह बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स हासिल किया था जहाँ पे ये फिल्म आरआरआर आर आर और राधे श्याम के साथ क्लेश होने वाली थी लेकिन बाद में चीज़ों को चेंज करते हुए इस फिल्म की रिलीज डेट को चेंज किया गया जहाँ पे फिल्म जिस तरह से रिलीज़ हुई जिस मौके पे तो उस टाइप की उस टाइम पे इस फिल्म ने डिसेंट वे में कलेक्शन कर लिया था इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते हैं जहाँ पे रावड़ी बॉयज़ के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो जी नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए तो तेलुगु वर्जन के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए तो रावडी बॉयज़ को उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर फिलहाल में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे हिंदी डब वर्जन के राइट्स है वो आदित्य नेटवर्क के पास है यानी कि आदित्य मूवीज़ के पास है जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग तो कम्प्लीट करवाई है लेकिन अभी तक फिल्म को अवेलेबल नहीं किया हुआ है अब हम बात करें किस तरह से इस फिल्म को देख सकते हो उसके ऊपर तो राउडी बॉयज़ फिल्म को फिलहाल में आप तेलुगू वर्जन में जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन रावड़ी बॉयज़ नाम के साथ वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसके राइट्स आदित्य मूवीज़ के पास है अब वो इस फिल्म को जब कभी भी का रिलीज़ करवाएंगे तो पहले इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर होगा उसके बाद उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को रावड़ी बॉयज नाम के साथ आप ऑफिशियली एंजॉय कर सकोगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि रावड़ी बॉयज फिल्म का आप ऑफिशियली एंजॉय कर सकोगे तेलुगु वर्जन में जी5 ऐप के ऊपर जी5 ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको जी तेलुगु के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पे रावड़ी बॉयज का जो हिंदी डब वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा आदित्य मूवीज़ के द्वारा वो, वो पहले टेलीविजन पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे उसके बाद उनकी यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकोगे तो इस तरह से रावडी बॉयज़ फिल्म को आप तेलुगू और हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो रावडी बॉयज़ जो दो की इंडियन तेलगु लैंग्वेज कमिंग ऑफ एज रोमेंटिकॉरिज ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है श्री हर्षा कोनुगत्ती ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दिल राजू और सीरीज ने जिन्होंने श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी आर मधी ने किए हुए एडिटिंग मधु ने किए हुए इसको एक सौ पैंतालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है उन्होंने तो ये फिल्म एक दो घंटे और पच्चीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए इस फिल्म में टोटल दस गाने वजन मिला ले तो जहां पे सभी गानों को ऑफिशियली आप आदित्य म्यूजिक के ऊपर सुन सकते हो वहीं पे एक ट्रैक है उसको लहरी म्यूजिक के ऊपर ऑफिशियली सुन सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वरा वेंकटेश्वर उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है तो यह उनकी ही रिलीज थी जहां पे इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो आशीष टाइटल रोल प्ले सॉरी इस फिल्म का लीड रोल प्ले कर करे अक्षय का जिनकी डेब्यू फिल्म है उनके अपोजिट अनुपमा परमेश्वरन को कास्ट की गई है जो काव्या का रोल प्ले कर कार्तिक रत्नम सहदेव विक्रम तेज कुरुपाती इस फिल्म में सपोर्टिंग में देखने को मिलेंगे उनके साथ राजा रवि प्रणीता रेड डिकल लेम और पृथ्वी भी देखने को मिलेंगे कोमली प्रसाद इस फिल्म में सुरती का रोल प्ले कर रहे हैं जो काव्या की फ्रेंड है श्रीकांत अयंगर को अक्सय के फादर का रोल दिया गया था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो मार्च 2020 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि इस फिल्म में अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में होने वाली है राहुल रामाकृष्णन को भी इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया था लेकिन उनका एक बिजी शेड्यूल था आर फिल्म के साथ जिस वजह से वो इस फिल्म के साथ नहीं जुड़ पाए थे बाद में राजा रवि को उस रोल के लिए कास्ट किया गया था और उसके बाद में इस तरह से पूरी तरह से से पूरी फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी बाद में जनवरी 2020 को इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था करीबन छह सात महीने की इस फिल्म की सॉरी करीबन ये फिल्म की पांच छह महीने की शूटिंग होने वाली थी और अलग अलग शेड्यूल के तहत लेकिन कोविड की वजह से शूटिंग रोकनी पड़ी और उसके बाद में जो कोविड के प्रोटोकॉल थे उसको को फॉलो करते हुए रेपअप किया गया था तेरह अक्टूबर दो को तो ये इस तरह से इस फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था जहां पे आखिर में डेट नाइट करके जो गाना था वो कंपोज कर रहा था धानी मास्टर ने कोरियोग्राफ किया था वो गाने की शूटिंग के साथ फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था तो उसके बाद में इस फिल्म की मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए फिल्म में टोटल अलग अलग वर्जन मिला पहले तो दस गाने जहाँ पे पहला गाना है रावड़ी बॉयज टाइटल सॉन्ग जिसके लिरिक्स रोलर रीडा ने लिखे हुए और रोल रिडा ही उसके सिंगर है प्रेमा आका समय थे जो गाना है उसके लिरिक्स श्री ने लिखे हुए थे सिंगर जसप्रीत जय से वृंदावनम वाला गाना है उसके लिरिक्स सुधाला अशोक तेजा ने लिखे हुए है ने उसको गाया हुआ है डेट नाइट करके गाने को रो रोला रेडी ने लिखा हुआ है रंजीत कोविंद और समीरा भारद्वाज के पास गवाया हुआ है ये जिंदगी वाला गाना है उसको कृष्णकांत ने लिखा हुआ है राम मिर्याला ने उसको गाया हुआ है श्रीमणि अनंत श्री राम ने नूवेना धैर्यम करके गाना लिखा हुआ था उसको गाया हुआ था कार्तिक ने वहीं पे पर ने और नीचे ने करके जो गाना है उसको श्रीमणि ने लिखा हुआ है कपिल कपिलान और समीरा भारद्वाज ने उसको गाया हुआ है इसके अलावा ओका ने ओका रानी करके जो गाना है वो कृष्णकांत ने लिखा हुआ था सिंगर थे देवी श्री प्रसाद जो फिल्म के म्यूज़िक uh, डायरेक्टर भी ओखर ही की निकल करके जो गाना है उसका रोक वर्जन था उसको लिखा हुआ है कृष्णा कांत ने और यासिन निज़ार ने गाया हुआ है राजनम चत्तमनु रिमेक्स वर्जन है उसको क्रिएट किया हुआ है गद्दार ने वहीं पर उसको और गाया हुआ है दीपू ने तो ये टोटल दस गाने जिसकी लेंथ है लेंथस मिनट अट्ठारह सेकंड और ये सभी गाने फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे तेलुगु वर्जन में अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर आकाश यानी कि आशीष वो रोल प्ले करे जो एक केयर फ्री इंजीनियर कॉलेज स्टूडेंट है जिसको एक मेडिको नाम की लड़की मेडिकल लड़की जहाँ पे काव्या वो नाम है उसका वो रोल प्ले करे अनुपमा परमेश्वर उससे प्यार हो जाता है कुछ समय के बाद काव्या भी आकाश को पसंद करने लगती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली राइवलरी है आकाश की कॉलेज की कुछ प्रॉब्लम थी उसकी लव स्टोरी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कुछ राइवलरी की वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है अब चॉइस ना बचने की वजह से आकाश और काव्या क्रूसल डिसीजन पे आ जाती है अपनी जिंदगी की क्या वो आगे क्या करेंगे क्या काव्या डॉक्टर की वी से बनने की तो वो बन पाएगी इसके अलावा आकाश के प्यार उसको मिल पाएगा क्या वो अपना लव आकाश जीत पाएगा तो वही सब सवालों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है दिलराज जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उनका नेफ्यू है आशीष रेड्डी जिन्होंने इस फिल्म के साथ डेब्यू किया हुआ है फिल्म का टाइटल रावड़ी बॉयज था वो किरदार भी कुछ उसी टाइप का लिखा हुआ था जहाँ पे वो डिसेंट नज़र आ रहे उनकी परफॉर्मेंस एज एक्टर के तौर पे इस्टेब्लिश होती हुई नज़र आ रही डांसिंग स्किल भी नज़र आ रही ओवरऑल दूसरे जो एक्टर्स है उन्होंने भी, भी जस्टिफाई किया हुआ है अनुपमा परमेश्वरन काफ़ी गोजश नज़र आ रही है उनको आप ज़रूर पसंद करोगे उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है लीड पर के बीच में जो परफॉर्मेंसेज देखने को मिलती है उनके बीच की जो केमिस्ट्री है वो अच्छी नज़र आएगी कॉमेडी जिस तरह से क्रिएट की गई है साइड किस के

तो वो सभी चीज़ें बढ़िया है सॉन्ग्स फिल्म के कुछ अच्छे थे वहीं पे विजुअल्स भी उसके काफ़ी बढ़िया नज़र आते हैं इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ है विजुअल्स काफ़ी रिच नज़र आते हैं जो फिल्म को सपोर्ट कर रहे थे हाँ इस फिल्म की कहानी में उतना कुछ नयापन नहीं था जहाँ पर चीज़ें उतनी कुछ अलग वे में दिख सकती थी वही इस टाइप के कई सारे सालों से कई सारी मूवीज आ रही है अनुपमा दिखने में काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी जहाँ पे वो अपनी एक्टिंग एबिलिटी को प्रूव कर सके उस कदर का उसका किरदार नहीं लिखा गया था लेकिन अगर कुछ तो डाल दे तो, तो और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा फिल्म तो का फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ जिस तरह से कहानी को दिखाया हुआ है पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल रूटीन नजर आता है कॉमेडी ट्रेक थोड़ा ओवर दी टॉप नज़र आता है तो वो फिल्म का माइनस पॉइंट कह सकते हैं प्रोडक्शन वैली फिल्म की काफ़ी बढ़िया है जिस तरह से विजुअल्स देखने को मिलते हैं सिनेमेटोग्राफी सभी चीजें बढ़िया नज़र आती है सभी लोकेशंस को बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है ब्यूटीफुल मैनर में शोकेस किया हुआ है गाने बी सभी अच्छे हैं वहीं पर देवी प्रसाद ने जिस तरह से बीजेम क्रिएट किया हुआ है वो फिल्म को सपोर्ट दे रहा था एडिटिंग फिल्म की डिसेंट है वहीं पर डायरेक्टर हर्षक कौन कौनोगति ने इस फिल्म के साथ ओके काम किया हुआ है प्लॉट उतना कुछ नया नहीं था शोकेस किया हुआ था अगर उसको स्क्रीन प्ले में थोड़ा बेटर वे में डालते थोड़ा अच्छा होता इसके अलावा उन्होंने डेब्यूडेंट एक्टर को अच्छी तरह से फिल्म में हैंडल किया हुआ था ओवरऑल रौडी बॉयज एक कोलेड्रामा फिल्म है जहां पे नोट होते कुछ खास ट्विस्ट और टर्नस देखने को नहीं मिलती है लेकिन आशीष रेड्डी का एडिसिन डेब्यू देखने को मिलता है फिल्म का फर्स्ट हाफ अच्छा है सेकंड हाफ थोड़ा डल है स्ट्रॉन्ग स्टोरी होती तो चीज़ें बेहतर होती तो एक दो चीज़ें जिसको इग्नोर करोगे तो फिल्म वन टाइम वॉचेबल तो ज़रूर लगेगी तो इस फिल्म को अगर आप थोड़ा ये इग्नोर करोगे तो देख सकते हो राउडी बॉयज़ फिल्म को चौदह जनवरी दो को थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था आईएमडी पे करीबन 800 से हज़ार वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला और ठीक इसी तरह बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स हासिल किया था जहाँ पे ये फिल्म आर 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 और राधे श्याम के साथ क्लेस होने वाली थी लेकिन बाद में चीज़ों को चेंज करते हुए इस फिल्म के रिलीज डेट को चेंज किया गया जहाँ पे फिल्म जिस तरह से रिलीज़ हुई जिस मौके पे तो उस टाइप की उस टाइम पे इस फिल्म ने डिसेंट वे में कलेक्शन कर लिया था इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते हैं जहाँ पे रावड़ी बॉयज़ के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो जी नेटवर्क वालों ने ख़रीदे हुए तो तेलुगु वर्जन के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए तो, तो रावड़ी बॉयज़ को उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर फिलहाल में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पर हिंदी डब वर्जन के राइट्स है वो आदित्य नेटवर्क के पास है यानी कि आदित्य मूवीज़ के पास है जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग तो कम्प्लीट करवाई है लेकिन अभी तक फिल्म को अवेलेबल नहीं किया हुआ है अब हम बात करें किस तरह से इस फिल्म को देख सकते हो उसके ऊपर तो राउडी बॉयज़ फिल्म को फिलहाल में आप तेलुगु वर्ज़न में जी फाइव ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन रावड़ी बॉयज नाम के साथ वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसके राइट्स का आदित्य मूवीज़ के पास है अब वो इस फिल्म को जब कभी भी का रिलीज़ करवाएंगे तो पहले इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर होगा उसके बाद उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को रावड़ी बॉयज नाम के साथ आप ऑफिशियली कर सकोगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि राउडी बॉयज़ फिल्म का आप ऑफिशियली एंजॉय कर सकोगे तेलुगु वर्जन में जी फाइव के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको जी तेलगू के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पे रावड़ी बॉयज का जो हिंदी डब वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा आदित्य मूवीज के द्वारा वो, वो पहले टेलीविजन पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे उसके बाद उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकोगे तो इस तरह से रावडी बॉयज फिल्म को आप तेलुगु और हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो राउडी बॉयजो दो हजार की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज कमिंग ऑफ एज रोमेंटिकॉरिज ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है श्री हर्षा कोनुगत्ती ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दिल राजू और सीरीज ने जिन्होंने श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी आर मधी ने किए हुए एडिटिंग मधु ने किए हुए इसको एक सौ पैंतालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है उन्होंने तो ये फिल्म एक दो घंटे और पच्चीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए इस फिल्म में टोटल दस गाने सभी वर्जन मिला ले तो जहां पे सभी गानों को ऑफिशियली आप आदित्य म्यूजिक के ऊपर सुन सकते हो वहीं पे एक ट्रैक है उसको लहरी म्यूजिक के ऊपर ऑफिशियली सुन सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी थी श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है तो ये उनकी ही रिलीज थी जहां पे इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करे तो आशीष टाइटल रोल प्ले सॉरी इस फिल्म का लीड रोल प्ले कर करे अक्षय का जिनकी डेब्यू फिल्म है उनके अपोजिट अनुपमा परमेश्वरन को कास्ट की गई है जो काव्या का रोल प्ले कार्तिक रत्नम सहदेव विक्रम तेज कुरपाती इस फिल्म में सपोर्टिंग में देखने को मिलेंगे उनके साथ राजा रवि प्रणीता रेड डिकल लेम और पृथ्वी भी देखने को मिलेंगे कोमली प्रसाद इस फिल्म में सुरती का रोल प्ले कर करे जो काव्या की फ्रेंड है श्रीकांत अयंगर को अक्सय के फादर का रोल दिया गया था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो मार्च दो में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि इस फिल्म में अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में होने वाली है राहुल रामाकृष्णन को भी इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया था लेकिन उनका एक बिजी शेड्यूल था आरआर फिल्म के साथ जिस वजह से वो इस फिल्म के साथ नहीं जुड़ पाए थे बाद में राजा रवि को उस रोल के लिए कास्ट किया गया था और उसके बाद में इस तरह से पूरी तरह से फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी बाद में जनवरी 2020 को इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ़ फ़ोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था करीबन छः सात महीने की इस फिल्म की सॉरी करीबन ये फिल्म की पाँच छः महीने की शूटिंग होने वाली थी और अलग अलग शेड्यूल के तहत लेकिन कोविड की वजह से शूटिंग रोकनी पड़ी और उसके बाद में जो कोविड के प्रोटोकॉल थे उसको फॉलो करते हुए रेपअप किया गया था तेरह अक्टूबर दो को तो ये इस तरह से इस फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया गया था जहाँ पे आखिर में डेट नाइट करके जो गाना था वो कंपोज करा था जानी मास्टर ने कोरियोग्राफ किया था वो गाने की शूटिंग के साथ फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था तो उसके बाद में इस फिल्म की मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे ट्रैक के ऊपर बातचीत करे तो देवी प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए फिल्म में टोटल अलग अलग वर्जन मिला ले तो दस गाने हैं जहाँ पे पहला गाना है रावड़ी बॉयज टाइटल सॉन्ग जिसके लिरिक्स रोला रीडा ने लिखे हुए है और रोल रीडा ही उसके सिंगर है प्रेमा आकाशम थे जो गाना है उसके लिरिक्स श्री मनी ने लिखे हुए थे सिंगर जसप्रीत जैस है वृंदावनम वाला गाना है उसके लिरिक्स सुधाला अशोक तेजा ने लिखे हुए है मंगिली ने उसको गाया हुआ है डेट नाइट करके गाने को रो रोला रेडी ने लिखा हुआ है रंजीत कोविंद और समीरा भारद्वाज के गवाया हुआ है ये जिंदगी वाला गाना है उसको कृष्ण ने लिखा हुआ है राम मीरियाला ने उसको गाया हुआ है श्रीमणि अनंत श्री राम ने नूवेना धैर्य करके गाना लिखा हुआ था उसको गाया हुआ था, था। कार्तिक ने वहीं पे पर ने और नीचे ने करके जो गाना है उसको श्रीमणि ने लिखा हुआ है कपिल कपिलान और समीरा भादवा ने उसको गाया हुआ है इसके अलावा ओका ने ओका रानी करके जो गाना है वो कृष्णकांत ने लिखा हुआ था सिंगर थे देवी श्री प्रसाद जो फिल्म के म्यूजिक uh, डायरेक्टर भी ओखा रही की ओखा रानी करके जो गाना है उसका रॉक वर्जन था उसको लिखा हुआ है कृष्णा कांत ने और यासिन निज़ार ने गाया हुआ है राजनम चमु रिमैक्स वर्जन है उसको क्रिएट किया हुआ है गद्दार ने वहीं पे उसको गाया हुआ है दीपू ने तो ये टोटल दस गाने जिसकी लेंथ है तीस मिनट अट्ठारह सेकंड और ये सभी गाने फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे तेलुगु वर्जन में अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर आकाश यानी कि आशीष वो रोल प्ले करे जो एक केयर फ्री इंजीनियर कॉलेज स्टूडेंट है जिसको एक मेडिको नाम की लड़की मेडिकल लड़की जहाँ पे काव्या वो नाम है उसका वो रोल प्ले करे अनुपमा परमेश्वरन उससे प्यार हो जाता है कुछ समय के बाद काव्या भी आकाश को पसंद करने लगती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली राइवलरी है आकाश के कॉलेज की कुछ प्रॉब्लम थी उसकी लव स्टोरी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कुछ राइवलरी की वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट अब चोइस ना बचने की वजह से आकाश और काव्या क्रूसल डिसीजन पे आ जाती अपनी जिंदगी की कि आप वो आगे क्या करेंगे क्या काव्या डॉक्टर की वी से बनने की तो बन पाएगी इसके अलावा आकाश के प्यार उसको मिल पाएगा क्या वो अपना लव आकाश जीत पाएगा तो वही सब सवालों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है दिलराज जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उनका नेफ्यू है आशीष रेड्डी जिन्होंने इस फिल्म के साथ डेब्यू किया हुआ है फिल्म का टाइटल रावड़ी बॉयज था वो किरदार भी कुछ उसी टाइप का लिखा हुआ था जहाँ पे वो डिसेंट नज़र आ रहे उनकी परफॉर्मेंस एज एक्टर के तौर पे इस्टेब्लिश होती हुई नज़र आ रही डांसिंग स्किल भी नज़र आ रही ओवरऑल दूसरे जो एक्टर्स है उन्होंने भी, भी जस्टिफाई किया हुआ है अनुपमा परमेश्वरन काफ़ी गोरजश नज़र आ रही है उनको आप ज़रूर पसंद करोगे उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है लीड पर के बीच में जो परफॉर्मेंसिस देखने को मिलती है उनके बीच की जो केमिस्ट्री वो अच्छी नज़र आएगी कॉमेडी जिस तरह से क्रिएट की गई है साइड किस के तो वो सभी चीज़ें बढ़िया है सॉन्ग्स फिल्म के कुछ अच्छे थे वहीं पे विजुअल्स भी उसके काफी बढ़िया नजर आते इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ है विजुअल्स काफ़ी रिच नजर आते जो फिल्म को सपोर्ट कर रहे थे हाँ इस फिल्म की कहानी में उतना कुछ नयापन नहीं था जहाँ पे चीज़ें उतनी कुछ अलग वे में दिख सकती थी वही इस टाइप के कई सारे सालों से कई सारी मूवीज आ रही है अनुपमा दिखने में काफी बढ़िया नजर आ रही थी जहाँ पे वो अपनी एक्टिंग एबिलिटी को प्रूव कर सके उस उसका उसके उसका किरदार नहीं लिखा गया था लेकिन अगर उसको डाल तो फिल्म तो और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा फिल्म तो का फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ जिस तरह से कहानी को दिखाया हुआ है पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल रूटीन नज़र आता है कॉमेडी ट्रैक थोड़ा ओवर दी टॉप नज़र आता है तो वो फिल्म का माइनस पॉइंट कह सकते हैं प्रोडक्शन वाली फिल्म की काफ़ी बढ़िया है जिस तरह से विजुअल्स देखने को मिलते हैं सिनेमेटोग्राफी सभी चीज़ें बढ़िया नज़र आती है सभी लोकेशंस को बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है ब्यूटीफुल मैनर में शोकेस किया हुआ है गाने बी सभी अच्छे वहीं पर देवी श्री प्रसाद ने जिस तरह से बीजेम क्रिएट किया हुआ है वो फिल्म को सपोर्ट दे रहा था एडिटिंग फिल्म की डिसेंट है वहीं पर डायरेक्टर हर्षक को अनुगति तीन इस फिल्म के साथ ओके काम किया हुआ है प्लॉट उतना कुछ नया नहीं था शोकेस किया हुआ था अगर उसको स्क्रीन प्ले में थोड़ा बेटर वे में डालते थोड़ा अच्छा होता इसके अलावा उन्होंने डेबिडेंट एक्टर को अच्छी तरह से फिल्म में हैंडल किया हुआ था ओवरऑल रावडी बॉयज एक कोले ड्रामा फिल्म है जहाँ पे नोट उतने कुछ खास ट्विस्ट और टर्नस देखने को नहीं मिलती है लेकिन आशीष रेड्डी का एडिसिन डेब्यू देखने को मिलता है फिल्म का फर्स्ट हाफ अच्छा है सेकंड हाफ थोड़ा डल है स्ट्रॉन्ग स्टोरी होती तो चीज़ें बेहतर होती तो एक दो चीज़ें जिसको इग्नोर करोगे तो फिल्म वन टाइम वॉचेबल तो ज़रूर लगेगी तो इस फिल्म को अगर आप थोड़ा ये इग्नोर करोगे तो देख सकते हो राउडी बॉयज़ फिल्म को चौदह जनवरी दो को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला था आईएमडी पे करीबन 800 से हज़ार वोट मिले हुए जिसमें 5.3 तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला और ठीक इसी तरह बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स हासिल किया था जहाँ पर फिल्म आर 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 और राजेश्याम के साथ क्लेस होने वाली थी लेकिन बाद में चीज़ों को चेंज करते हुए इस फिल्म की रिलीज डेट को चेंज किया गया जहाँ पे फिल्म जिस तरह से रिलीज हुई जिस मौके पे तो उस टाइप की उस टाइम पे इस फिल्म ने डिसेंट वे में कलेक्शन कर लिया था इस फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते हैं, जहाँ पे रावड़ी बॉयज़ के जो ओ टी टी और सेटेलाइट राइट्स से है वो जी नेटवर्क वालों ने ख़रीदे हुए तो तेलुगु वर्जन के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए तो रावडी बॉयज़ को उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर फ़िलहाल में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पर हिंदी डब वर्जन के राइट्स है वो आदित्य नेटवर्क के पास है यानी कि आदित्य मूवीज़ के पास है जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग तो कम्प्लीट करवाई है लेकिन अभी तक फिल्म को अवेलेबल नहीं किया हुआ है अब हम बात करें किस तरह से इस फिल्म को देख सकते हो उसके ऊपर तो रावड़ी बॉयज़ फिल्म को फिलहाल में आप तेलुगु वर्ज़न में जी फाइव ओ टी के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन रावड़ी बॉयज नाम के साथ वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसके राइट्स आदित्य मूवीज़ के पास है अब वो इस फिल्म को जब कभी भी का रिलीज़ करवाएंगे तो पहले इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर होगा उसके बाद उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को रावड़ी बॉयज नाम के साथ आप ऑफिशियली कर सकोगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि राउडी बॉयज़ फिल्म का आप ऑफिशियली एंजॉय कर सकोगे तेलुगु वर्जन में जी ऐप के ऊपर जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको अजीज तेलगू के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पर रावडी बॉयज़ का जो हिंदी डब वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा आदित्य मूवीज़ के द्वारा वो, वो पहले टेलीविजन पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे उसके बाद उनकी यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म का आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकोगे तो इस तरह से रावडी बॉयज़ फिल्म को आप तेलुगु और हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो रावड़ी बॉयज़ जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज कमिंग ऑफ एज रोमेंटिकॉलेज ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है श्री हर्षा कोनुगत्ती ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दिल राजू और सीरीज ने जिन्होंने श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी आर मधी ने किए हुए एडिटिंग मधु ने किए हुए इसको एक सौ पैंतालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है उन्होंने तो ये फिल्म एक दो घंटे और पच्चीस मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए इस फिल्म में टोटल दस गाने सभी वर्जन मिला ले तो जहाँ पे सभी गानों को ऑफिशियली आप आदित्य म्यूजिक के ऊपर सुन सकते हो वहीं पे एक ट्रैक है उसको लहरी म्यूजिक के ऊपर ऑफिशियली सुन सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कंपनी थी श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है तो ये उनकी ही रिलीज थी जहाँ पे इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करे तो आशीष टाइटल रोल प्ले सॉरी इस फिल्म का लीड रोल प्ले करे अक्षय का जिनकी डेब्यू फिल्म में उनके अपोजिट अनुपमा परमेश्वरन को कास्ट की गई है जो काव्या का रोल प्ले रही है कार्तिक रत्नम साहिदेव विक्रम तेज कुरुपाती इस फिल्म में सपोर्टिंग में देखने को मिलेंगे उनके साथ राजा रवि प्रणीता रेड्डी कल्लेम और पृथ्वी भी देखने को मिलेंगे कोमली प्रसाद इस फिल्म में श्रुति का रोल प्ले कर करे जो काव्या की फ्रेंड है श्रीकांत अयंगर को अक्सय के फादर का रोल दिया गया था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो मार्च दो में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि इस फिल्म में अनुपमा परमेश्वरन लीड रोल में होने वाली है राहुल रामाकृष्णन को भी इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया था लेकिन उनका एक बिजी शेड्यूल था आरआर फिल्म के साथ जिस वजह से वो इस फिल्म के साथ नहीं जुड़ पाए थे बाद में राजा रवि को उस रोल के लिए कास्ट किया गया था और उसके बाद में इस तरह से पूरी तरह से फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी बाद में जनवरी 2020 को इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था करीबन छः सात महीने की इस फिल्म की सॉरी करीबन ये फिल्म की पाँच छः महीने की शूटिंग होने वाली थी और अलग अलग शेड्यूल के तहत लेकिन कोविड की वजह से शूटिंग रोकनी पड़ी और उसके बाद में जो कोविड के प्रोटोकॉल थे उसको फॉलो करते हुए रेपअप किया गया था तेरह अक्टूबर दो को तो ये इस तरह से इस फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया गया था जहाँ पे आखिर में डेट नाइट करके जो गाना था वो कंपोज कराया था जानी मास्टर ने कोरियोग्राफ किया था वो गाने की शूटिंग के साथ फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था तो उसके बाद में इस फिल्म की मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग इन सभी चीजों के ऊपर काम किया गया था जहां साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करे तो देवी प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं फिल्म में टोटल अलग अलग वर्जन मिला ले तो दस गाने हैं जहाँ पे पहला गाना है राउडी बॉयज टाइटल सॉन्ग जिसके लिरिक्स रोला रीडा ने लिखे हुए है और रोल रीडा ही उसके सिंगर है प्रेमा आकाशम थे जो गाना है उसके लिरिक्स श्री मनी ने लिखे हुए थे सिंगर जसप्रीत जैस है वृंदावनम वाला गाना है उसके लिरिक्स सुदाला अशोक तेजा ने लिखे हुए है मंगिली ने उसको गाया हुआ है डेट नाइट करके गाने को रो रोला रेडी ने लिखा हुआ है रंजीत कोविंद और समीरा भारद्वाज के गवाया हुआ है है ये जिंदगी वाला गाना है। उसको कांत ने लिखा हुआ है। राम मीरियाला ने उसको गाया हुआ है श्रीमणि अनंत श्री राम ने नुवे गाना लिखा हुआ था उसको गाया हुआ था कार्तिक ने वहीं पे ने वो नीचे ने करके जो गाना है उसको श्रीमणि ने लिखा हुआ है कपिल कपिलान और समीरा भादवा ने उसको गाया हुआ है इसके अलावा ओक्का ने ओका रानी कर के जो गाना है वो कृष्णा कांत ने लिखा हुआ था सिंगर थे देवी श्री प्रसाद जो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर भी है ओक्का रे की ओका रानी कर के जो गाना है उसका रॉक वर्जन था उसको लिखा हुआ है कृष्णा कांत ने और यासिन निज़ार ने गाया हुआ है राजनम नम चमनु रिमेक्स वर्जन है उसको क्रिएट किया हुआ है गद्दार ने वहीं पर उसको गाया हुआ है दीपू ने तो ये टोटल दस गाने जिसकी लेंथ है तीस मीटर अठारह सेकंड और सभी गाने फिलहाल में वीडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे तेलुगु वर्जन में अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर आकाश यानी कि आशीष वो रोल प्ले करे जो एक केयर फ्री इंजीनियर कॉलेज स्टूडेंट है जिसको एक मेडिको नाम की लड़के मेडिकल लड़की जहाँ पे काव्या वो नाम है उसका वो रोल प्ले करे अनुपमा परमेश्वरन उससे प्यार हो जाता है कुछ समय के बाद काव्या भी आकाश को पसंद करने लगती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली राइवलरी है आकाश के कॉलेज की कुछ प्रॉब्लम थी उसकी लव स्टोरी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कुछ राइवलरी की वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट अब चॉइस इस ना बचने की वजह से आकाश और काव्या क्रूसल डिसीजन पे आ जाते हैं अपनी जिंदगी की अब वो आगे क्या करेंगे क्या काव्या डॉक्टर की वी से बनने की तो बन पाएगी इसके अलावा आकाश के प्यार उसको मिल पाएगा क्या वो अपना लव आकाश जीत पाएगा तो वही सब सवालों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है दिल जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उनका नेफ्यू है आशीष रेड्डी जिन्होंने इस फिल्म के साथ डेब्यू किया हुआ है फिल्म का टाइटल रावड़ी बॉयज था वो किरदार भी कुछ उसी टाइप का लिखा हुआ था जहाँ पे वो डिसेंट नज़र आ रहे उनकी परफॉर्मेंस एज एक्टर के तौर पे इस्टेब्लिश होती हुई नज़र आ रही डांसिंग स्किल भी नज़र आ रही ओवरऑल दूसरे जो एक्टर्स है उन्होंने भी, भी जस्टिफाई किया हुआ है अनुपमा परमेश्वरन काफ़ी गोरज नजर आ रही है उनको आप जरूर पसंद करोगे उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है लीड पैर के बीच में जो परफॉर्मेंसेज देखने को मिलती है उनके बीच की जो केमिस्ट्री है वो अच्छी नजर आएगी कॉमेडी जिस तरह से क्रिएट की गई है साइड किस के द्वारा तो वो सभी चीज़ें बढ़िया है सॉन्ग्स फिल्म के कुछ अच्छे थे वहीं पे विजुअल्स भी उसके काफी बढ़िया नजर आते हैं इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ है विजुअल्स काफ़ी रिच नजर आते हैं जो फिल्म को सपोर्ट कर रहे थे हाँ इस फिल्म की कहानी में उतना कुछ नयापन नहीं था जहाँ पे चीजें उतनी कुछ अलग वे में दिख सकती थी वही इस टाइप के कई सारे सालों से कई सारी मूवीज आ रही है अनुपमा दिखने में काफी बढ़िया नजर आ रही थी जहाँ पे वो अपनी एक्टिंग एबिलिटी को प्रूव कर सके उस कदर का उसके का किरदार नहीं लिखा गया था लेकिन अगर कुछ तो डाल तो फिल्म और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा फिल्म तो का फर्स्ट हाफ़ सेकंड हाफ जिस तरह से कहानी को दिखाया हुआ है पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल प्रोटीन रूटीन नज़र आता है कॉमेडी ट्रैक थोड़ा ओवर दी टॉप नज़र आता है तो वो फिल्म का माइनस पॉइंट कह सकते हैं प्रोडक्शन वैली फिल्म की काफ़ी बढ़िया है जिस तरह से विजुअल्स देखने को मिलते हैं सिनेमेटोग्राफी सभी चीज़ें बढ़िया नज़र आती है सभी लोकेशंस को बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है ब्यूटीफुल मैनर में शोकेस किया हुआ है गाने बी सभी अच्छे वहीं पर देवी श्री प्रसाद ने जिस तरह से बी क्रिएट किया हुआ है वो फिल्म को सपोर्ट दे रहा था एडिटिंग फिल्म की डिसेंट है वहीं पर डायरेक्टर हर कोनोगती ने इस फिल्म के साथ ओके काम किया हुआ है प्लॉट उतना कुछ नया नहीं था शोकेस केस किया हुआ था अगर उसको स्क्रीन प्ले में थोड़ा बेटर वे में डालते थोड़ा अच्छा होता इसके अलावा उन्होंने डेबिडेंट एक्टर को अच्छी तरह से फिल्म में हैंडल किया हुआ था ओवरऑल राउडी बॉयज़ एक कोले ड्रामा फिल्म है जहाँ पे नोट उतने कुछ खास ट्विस्ट और टर्न्स देखने को नहीं मिलती है लेकिन आशीष रेड्डी का एडिसिन डेब्यू देखने को मिलता है फिल्म का फर्स्ट हाफ अच्छा है सेकंड हाफ थोड़ा डल है स्ट्रॉन्ग स्टोरी होती तो चीज़ें बेहतर होती तो एक दो चीज़ें जिसको इग्नोर करोगे तो फिल्म वन टाइम वॉचेबल तो जरूर लगेगी तो इस फिल्म को अगर आप थोड़ा ये इग्नोर करोगे तो देख सकते हो राउडी बॉयज फिल्म को चौदह जनवरी दो को थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था आईएमडी पे करीबन 800 से हज़ार वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला और ठीक इसी तरह बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स हासिल किया था जहाँ पे फिल्म आर 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 और राजेश्याम के साथ क्लेश होने वाली थी लेकिन बाद में चीज़ों को चेंज करते हुए इस फिल्म की रिलीज डेट को चेंज किया गया जहाँ पे फिल्म जिस तरह से रिलीज़ हुई जिस मौके पे तो उस टाइप की उस टाइम पे इस फिल्म ने डिसेंट वे में कलेक्शन कर लिया था इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते हैं जहाँ पे रावड़ी बॉयज़ के जो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो जी नेटवर्क वालों ने ख़रीदे हुए तो तेलुगु वर्जन के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए तो रावडी बॉयज़ को उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर फिलहाल में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पर हिंदी डब वर्जन के राइट्स है वो आदित्य नेटवर्क के पास है यानी कि आदित्य मूवीज़ के पास है जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग तो कम्प्लीट करवाई है लेकिन अभी तक फिल्म को अवेलेबल नहीं किया हुआ है अब हम बात करें किस तरह से इस फिल्म को देख सकते हो उसके ऊपर तो रावडी बॉयज़ फिल्म को फिलहाल में आप तेलुगू वर्जन में जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन रावडी बॉयज़ नाम के साथ वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसके राइट्स आदित्य मूवीज़ के पास है अब वो इस फिल्म को जब कभी भी का रिलीज़ करवाएंगे तो पहले इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर होगा उसके बाद उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को रावडी बॉयज नाम के साथ आप ऑफिशियली एंजॉय कर सकोगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि राउडी बॉयज फिल्म का आप ऑफिशियली एंजॉय कर सकोगे तेलुगु वर्जन में जी ऐप के ऊपर जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको जी तेलुगु के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पे रावड़ी बॉयज का जो हिंदी डब वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा आदित्य मूवीज़ के द्वारा वो, वो पहले टेलीविजन पे इस फिल्म को प्रीमियर करवाएंगे उसके बाद उनकी यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकोगे तो इस तरह से राउडी बॉयज़ फिल्म को आप तेलुगु और हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो तो बस गए राउडी बॉयज़ फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दी है इस फिल्म को किस तरह से कैसे ऑफिशियली आप फ्री में देख सकते हो उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत किए हुए फिल्म के कहानी के ऊपर चर्चा की हुई फिल्म का एक डीप किया हुआ है साथ ही में फिल्म से जुड़े सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी शेयर किए हुए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू